गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू आरजे केरी पॉइंट ऑनलाइन एंड लाइव नर्सिंग क्लासेस. वेरी गुड मॉर्निंग. एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी सुबह 6 बजे वाली क्लास की सीएचएन डोज. देखिए, सीएचओ का एग्जाम आपका सामने आने वाला है और मान के चलेगा कि 40-50% जो आपका वेटेज रहेगा वो सीएचएन का रहेगा. सो आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर सीएचएन के पर्टिकुलर हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं इस मॉर्निंग की क्लास से ही. तो अब अपनी आदत को थोड़ा बदल लीजिएगा और सुबह जल्दी क्लास लेने की स्टार्ट कर दीजिए. एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके और सभी स्टूडेंट को इस क्लास का बेनिफिट हो. वेरी गुड मॉर्निंग. देखिए, बात कर लेते हैं अपने सेशन के बारे में. आने वाली जितनी भी आपकी क्लासेस रहेंगी अप टू योर सीएचओ एग्जाम, सीएचओ के बाद भी आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो सीएचओ एग्जाम तक आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट सब्जेक्ट को अपन कवर करने वाले हैं. जितने वेटेज का आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है, एमपी सीएचओ का एग्जाम है, इसी के साथ साथ हरियाणा सीएचओ के अंदर भी एग्जाम है, तो दोनों एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेटली सेम ही सिलेबस रहेगा. कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस रहेंगे वो आपको एक्स्ट्रा कवर करवा दिए जाएंगे. आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इम्यूनाइजेशन और दूसरा अपना रहेगा डिजीज प्रिवेंशन. दो टॉपिक कवर करेंगे. इम्यूनाइजेशन आपका 5 नंबर का टॉपिक है और इसी के साथ साथ 5 नंबर का आपको यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है. यानी दो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है. चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग. इससे पहले आपको बता देता हूं, आज आपका लास्ट ऑफर है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर आपको जो बताया गया था D1 बैच के अंदर. लाइव बैच D1 है, 15% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है. तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, डायरेक्टली आप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो सपोर्ट नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, कॉल थोड़ा लेट कीजिएगा, ठीक है, इन बिटवीन 7 to 9 अप्रैल. आज आपका आखिरी ऑफर है तो 9 बजे बाद में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं. चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, स्टार्ट करते हैं. हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जितना हो सकता है मैक्सिमम डिटेल में अपन पढ़ेंगे. जहां से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें अपन कवर करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म बाय द. यहां से देखिएगा, दो स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं. पहला देखिए, सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया है, द वैक्सीनेशन, वर्ड वैक्सीनेशन किसने दिया था. फर्स्ट ऑप्शन इज द जॉनस साल्क, सेकंड वन इज द एडवर्ड जेनर, थर्ड वन इज द लुईस पाश्चर एंड फोर्थ वन इज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. विच वन इज करेक्ट आंसर. इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं तो आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद में आप आंसर कीजिएगा. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग डोज आपको कैसी लगे क्लास के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है. चलिए रेस्पॉन्स कीजिएगा फटाफट, आंसर पुट कीजिएगा जल्दी से. क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वैक्सीनेशन, द वर्ड वैक्सीनेशन इज गिवन बाय, फर्स्ट परफॉर्म बाय या पहली बार जिसने वैक्सीनेशन वर्ड दिया था. वेरी गुड बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एडवर्ड जेनर. राइट आंसर क्या रहेगा, एडवर्ड जेनर. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड जेनर ने दिया था वैक्सीनेशन. अगर मान लीजिएगा आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द वर्ड वैक्सीन इज कॉइंड बाई, क्वेश्चन आपके सामने आता है द वर्ड वैक्सीन, ठीक है. वैक्सीनेशन और वैक्सीन दोनों के अंदर डिफरेंस है. अगर वैक्सीन के रिगार्डिंग आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, दैट इज लुईस पाश्चर. क्या रहेगा आंसर, लुईस पाश्चर आपका आंसर रहेगा, ठीक है. दोनों को ध्यान से देखिएगा, वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन दोनों सेपरेट सेपरेट आंसर रहेंगे. एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन वर्ड दिया, इसी के साथ साथ द फर्स्ट वैक्सीन इज डेवलप बाय एडवर्ड जेनर. पहली जो वैक्सीन डेवलप की थी वो भी किसने डेवलप की थी, आपके एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी. पहली वैक्सीन कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स, 1798. कब डेवलप की थी, 1798 के अंदर. कौन सी, स्मॉल पॉक्स. ये सारे इसी के कारनामे हैं. तो याद रखिएगा भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, द फर्स्ट वैक्सीन इज डेवलप बाय द एडवर्ड जेनर इन 1798 एंड वैक्सीनेशन वर्ड इज गिवन बाय द
एडवर्ड जेनर, वैक्सीन वर्ड इज कॉइन बाय द लुईस पाश्चर। चार क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं यहां से, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन जी या बेंजिल पेनिसिलिन की खोज की थी, डिस्कवर पेनिसिलिन, किसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर द पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी या बेंजिल पेनिसिलिन इसको अपन बोलते हैं। 1928 कब डिस्कवर किया था, 1928। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला। नेक्स्ट वन यहां पर आपको दिया गया है जोनस साल्क, जोनस साल्क की अगर बात कर, देखिएगा साल्क और सेबिन, ओपीवी एंड आईपीवी, हम दो क्या पढ़ते हैं, पोलियो के लिए वैक्सीन पढ़ते हैं। पहली कौन सी पढ़ते हैं, अल्बर्ट सेबिन ने आपको वैक्सीन के बारे में डिस्कवर किया था, और जोनस साल्क ने भी किसके बारे में, आपकी पोलियो वैक्सीन के रिगार्डिंग बताया था। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, सेल्क जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था क्या, आईपीवी, किसको डिस्कवर किया था, आईपीवी, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका जो दूसरे साइंटिस्ट थे, दैट इज द अल्बर्ट सेबिन, अल्बर्ट सेबिन ने डिस्कवर किया था किसको, ओपीवी को। सारे क्वेश्चन क्लियर हुए आपके, ओपीवी डिस्कवर इन 1957 एंड सेल्क इज डिस्कवर इन 1954, दोनों के रिगार्डिंग आप ये भी याद रखिएगा, ओपीवी इन 1957 एंड आईपीवी डिस्कवर इन 1954। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन याद करते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अल्बर्ट सेबिन ने ओपीवी को डिस्कवर किया था इन 1957 के अंदर, आईपीवी डिस्कवर की थी किसने, जोनस साल्क ने, कब, 1954 के अंदर। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीनेशन वर्ड, क्या डिस्कवर किया था, वैक्सीनेशन, पहली वैक्सीन भी इन्होंने बनाई थी 1798 के अंदर, स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया था। इसके अलावा लुईस पाश्चर की बात करते हैं, इन्होंने टर्म दिया था कौन सा, वैक्सीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था पेनिसिलिन जी इन 1928। क्लियर हुआ सभी को, नेक्स्ट वन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सेकंड वन क्वेश्चन की बात करते हैं, द चिल्ड्रन हु हैव अंडरगो द स्प्लीनेक्टोमी शुड रिसीव, एक बच्चे के अंदर हमने क्या किया है, स्प्लीन को रिमूव कर दिया है, एक बेबी के अंदर हमने क्या किया है, स्प्लीन को रिमूव कर दिया है, तो स्प्लीन को रिमूव करने के बाद में उसको कौन सी वैक्सीनेशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे, पहला है हेपेटाइटिस वैक्सीन, दूसरा है न्यूमोकोकल वैक्सीन, तीसरा है बीसीजी वैक्सीन, और चौथा है येलो फीवर वैक्सीन। विच इज करेक्ट आंसर, जल्दी से जवाब दीजिएगा, आंसर पुट कीजिएगा फटाफट, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी से सभी स्टूडेंट तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने क्या किया है, बेबी के अंदर स्प्लीन को रिमूव किया, अगर स्प्लीनेक्टोमी आपने की है देन उसके बाद में क्या हो सकता है, उस बेबी की इम्यूनिटी विल बी डिक्रीज, उस बेबी की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो सकती है। अब समझिएगा, अगर बेबी की क्या होगी, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इम्यूनिटी डिक्रीज होने के कारण वहां पर क्या हो सकता है, उसको सेप्सिस हो सकता है, क्या हो सकता है, सेप्सिस, उसे हम बोलते क्या है, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस, ठीक है, ओपीएसएस, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस। यहां पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, अपॉर्चुनिटिक इंफेक्शन देखने को मिल सकता है, लाइक एज स्टेप्टोकोकस निमोनिया, किसका इंफेक्शन हो सकते हैं, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस, ये इंफेक्शन बेबी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और इसके लिए अपन वैक्सीन कौन सी एडमिशन करेंगे बेबी को, न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन देखिएगा, ना लाइव में आती है ना किल्ड में आती है, इसको अगर अलग से अगर अपन कैटेगराइज करते हैं, इट इज एन पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन के अंदर, समझ में आ गया सभी को, इट इज एन पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, द वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर इन, देखिएगा बात करते हैं कोल्ड चेन की रिगार्डिंग, कोल्ड चेन में क्या करते हैं, वैक्सीन का स्टोरेज करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वैक्सीन का। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, द वैक्सीन एट पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर जो हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं उसके लिए कौन सी यूनिट होगी, पहला आपके सामने आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर ILR टेक्निक, दूसरा है डीप फ्रीजर, तीसरा है वॉल्क इन कोल्ड रूम WIC बोलते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट वन है कोल्ड बॉक्स, विच वन इज करेक्ट आंसर,
स्टोरेज के लिए कौन सा यूज में लेने वाले हैं, किसके लिए पूछा गया आपको, स्टोरेज के लिए कौन सा मेथड अपन यूज में लेते हैं, आंसर पुट कीजिएगा फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, सुबह सुबह दिमाग सभी का सही चल रहा है ना। मॉर्निंग के अंदर विदाउट एनी टेंशन माइंड का मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बात करते देखिएगा किसके लिए पूछा गया आपको, पीएससी के लिए पूछा गया, ठीक है। तो पीएससी लेवल पर हम वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, आईएलआरबी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईएलआर। क्लियर हुआ। और यहां पर इस आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है दैट इज इन बिटवीन 2 to 8 degrees centigrade, ये इंडिया के लिए है, याद रखिएगा। अलग 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 कंट्रीज में अलग अलग हो सकता है, इंडिया के लिए है कौन सा, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर रहेगा दैट इज अबाउट 2 to 8 degrees centigrade और यूज एट पीएचसी लेवल। पीएचसी में किसके लिए, वैक्सीन के स्टोरेज के लिए, किसके लिए यूज में लेते बेटा, स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। समझ में आया सभी को, वैक्सीन के स्टोरेज के लिए यूज में लेते हैं। दूसरा देखिएगा, सेकंड वन इज द डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर भी किसके लिए यूज में लेते हैं, वैक्सीन के स्टोरेज के लिए ही यूज में लेते हैं, यहां पर इसका जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये सारी वो यूनिट है, ठीक है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर एंड WIC, वॉक इन कोल्ड रूम या कूलर भी बोलते हैं। ये तीनों की तीनों यूनिट ऐसी है जो किस, इनके लिए क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, यानी पर्टिकुलर एक जगह पर इनको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कंटिन्यू 220 वोल्ट की इनको इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, तभी ये क्या कर पाएंगी, आपकी वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगी, हम इनके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर बात करते हैं डीप फ्रीजर की, तो डीप फ्रीजर के अंदर देखिएगा एवरेज टेम्परेचर जो होता है -22 -25 degrees Celsius होता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, डीप फ्रीजर जो होता है स्पेशली फॉर ओपीवी वैक्सीन के लिए यूज में लेते हैं। अब यहां पर आपने टेम्परेचर तो देखा सर -15 to -25 है, लेकिन ओपीवी को हम स्टोर करते हैं -20 degrees Celsius के ऊपर। समझ में आ रहा है, ओपीवी को हम स्टोर करते हैं कितने पर, -20 degrees Celsius, तो इन दोनों का जो रेंज निकल कर आएगा वो कितना आएगा, -20 degrees Celsius। तो एक चीज याद रखिएगा, डीप फ्रीजर मोस्टली मोस्ट कॉमनली यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर स्टोरेज ऑफ ओपीवी, किसके लिए, स्टोरेज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। और कौन से लेवल पर करते हैं, कौन से लेवल पर करते हैं, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। समझ में आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपको वैक्सीन को स्टोर करनी है तो वहां पर आपको क्या रखना है, डीप फ्रीजर यूज में लेना है। नेक्स्ट वन WIC, वॉक इन कोल्ड रूम, इसके बारे में समझ लीजिएगा क्या होता है WIC, ये भी क्या होता है, एक स्टोरेज यूनिट होती है, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो भी आपका 2 to 8 degrees Celsius रहेगा और स्टोरेज के लिए काम में लेते हैं। सर लगाते कहां पर है, जो गवर्नमेंट मेडिकल शॉप होती है, कौन सी, गवर्नमेंट मेडिकल शॉप है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, वॉक इन कोल्ड रूम या वॉक इन कूलर, कूलर भी लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने, दोनों को याद रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट वन देखिएगा, एक नीचे दिया गया है कोल्ड बॉक्स, एक आता है आपका कोल्ड बॉक्स, एक आता है आपका वैक्सीन कैरियर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है समझ लीजिएगा। कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट के लिए यूज लेते हैं, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज लेते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंट समझ लीजिएगा। फर्स्ट वन इज द कोल्ड बॉक्स एंड सेकेंड वन इज द वैक्सीन कैरियर, सेकेंड कौन सा होता है आपका, वैक्सीन कैरियर। कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर, सीधा सीधा एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि जो वैक्सीन कैरियर और कोल्ड बॉक्स है वो किस लेवल पर यूज लेते हैं, तो याद रखिएगा दोनों के दोनों अपन सब सेंटर के लिए, किस लिए, सब सेंटर, स्पेशली वैक्सीन कैरियर यूज फॉर सब सेंटर सप्लाई, सब सेंटर पर अपन क्या करें, सप्लाई कर रहे हैं। और कोल्ड बॉक्स अगर बात करते तो पेरिफेरल यूनिट्स तक भी लेकर जाते हैं, किस कर, पेरिफेरल यूनिट्स तक, यानी यहां पर आपके कोल्ड बॉक्स के अंदर वैक्सीन वॉयल की संख्या क्या रहती है, ज्यादा रहती है, लेकिन वैक्सीन कैरियर के अंदर जो वैक्सीन वॉयल होती है उनकी संख्या क्या होती है, लिमिटेड होती है, अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 वॉयल अपन क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 16 to 20 वॉयल अपन कैरी कर सकते हैं, किसके द्वारा, वैक्सीन कैरियर के द्वारा। समझ में आ गया,
वैक्सीन कैरियर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, 16-20 वॉयल को कैरी कर सकते हैं। इंपोर्टेंट लाइन है ये, इंपोर्टेंट लाइन है। 4 आइस पैक होते हैं, ठीक है। वैक्सीन कैरियर में क्या होते हैं, 4 आइस पैक होते हैं। चारों वॉल की तरफ क्या होंगे, 4 आइस पैक रहेंगे। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से लेवल पर? सब सेंटर लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से। चले बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएचएन की रिगार्डिंग, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कंप्लीट आने वाले 5 दिन के अंदर सीएचएन को रिवाइज कर लेंगे पूरा, जितना मैक्सिमम हो सकता है। ओबीजी की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, सीएचओ के लिए ओबीजी, सीएचएन, पीडियाट्रिक और न्यूट्रिशन, ये चारों सब्जेक्ट क्या रहेंगे आपकी, एक बहुत महत्वपूर्ण वेटेज रखने वाली है। और इन चारों सब्जेक्ट को आपके एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट इन, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कब किया गया था? वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द फेल्योर रेट इज कॉल्ड चेन सब सेंटर। वेरी गुड मुजफ्फर अली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सब सेंटर लेवल पर सबसे ज्यादा फेल्योर होने के चांसेस होते हैं किसके, कोल्ड चेन के। नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट इन कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1974 ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1974, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन 1978। एक एक चीजें क्लियर कर लीजिएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978 के अंदर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूनिवर्सल प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, बात करते हैं इन 1985, कब 1985। तीनों के अंदर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईपीआई की बात करते हैं 1978 के अंदर, यूपीआई की बात करते हैं यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन 1985 और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1974। ये तीनों वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड। देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड की गई थी, क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं? सबसे पहला इम्यूनाइजेशन ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, केवल प्रेग्नेंट मदर को इम्यूनाइज करेंगे। दूसरा है इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज, 5 साल तक के बच्चों को केवल आपको क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना है। तीसरा है इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, की प्रेग्नेंट मदर भी आएंगी और चिल्ड्रन भी आएंगे। एंड लास्ट वन इज द ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन, सभी प्रकार के इम्यूनाइजेशन इसमें इंक्लूड किए गए। विच वन इज करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की रिगार्डिंग कौन सा आंसर सही रहेगा? राइट आंसर पुट कर दीजिएगा। वेरी गुड, विच वन इज करेक्ट आंसर? देखिएगा जो फोर्थ ऑप्शन आंसर कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, यहां पर दिया गया ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी सभी प्रकार के इम्यूनाइजेशन, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो। यहां पर एक वर्ड निकल के आता है ऑल काइंड का मतलब हो गया चाहे वो किसी एज ग्रुप के अंदर हो, तो ऐसा यहां पर हम नहीं करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। हमारा जो सबसे मेन टारगेट था वो क्या था, इम्यूनाइजेशन ऑफ द प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट मदर को क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना है। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, करेक्ट आंसर रहेगा, चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट मदर को अपने क्या करना है, इम्यूनाइज करना है। क्लियर हुआ? ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन करते हैं तो यहीं से एक चीज निकल कर आती है ऑल एज ग्रुप। तो ऑल एज ग्रुप के अंदर अपन जितने भी प्रकार के इम्यूनाइजेशन करते हैं वो सारे केस में इंक्लूड होते हैं? जी नहीं होते, जी नहीं होते। कुछ इम्यूनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहीं पर आपको डॉक्टर रिकमेंडेड करता है, आपके जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ठीक है, वहां पर आपको कुछ इम्यूनाइजेशन देखने को नहीं मिलते जो आपको किसी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर आपको रिकमेंडेड करता है, तो वो चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। सो ऑल टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट क्या रहने वाला है रोटा वायरस वैक्सीन का? पहला है आईएम, दूसरा है
सबक्यूटेनियस, तीसरा है इंट्राडर्मल और चौथा है ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सर, कुछ लोग अभी उठ रहे हैं, चलिए फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो भी नींद में है वो भी उठ जाएंगे। राइट आंसर पुट कीजिएगा बेटा, आंसर पुट कीजिएगा जल्दी से, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हर एक क्लास के साथ में। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन का रूट क्या रहने वाला है, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या ओरल? वेरी गुड, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ओरल रूट के थ्रू अपन क्या दे रहे हैं, रोटा वायरस वैक्सीन दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 6, 10 और 14 वीक पर कब देते हैं, 6, 10 एंड 14 वीक, और रूट क्या रहेगा अपना, ओरल रूट के थ्रू देंगे, ठीक है। ओरल रूट के थ्रू कितना देंगे, 5 ड्रॉप अपन एडमिनिस्टर कर दें, कितना, 5 बूंद जिंदगी की, रोटा वायरस के लिए भी याद रखिएगा, 5 बूंद जिंदगी की, 6, 10 और 14 वीक पर, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वन, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, इन देखिएगा संसार के अंदर जो आखिरी केस देखा गया है, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन 1977, 1978, 1979 एंड 1982, विच वन इज करेक्ट आंसर, पूछा गया है रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर जो लास्ट केस देखा गया था, वर्ल्ड के अंदर जो लास्ट केस देखा गया था किसके रिगार्डिंग, स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग, कब देखा गया था, इसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे भाई, जल्दी से आंसर पुट कीजिएगा। सॉरी, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, देखिएगा इंडिया में कब देखा गया है, वर्ल्ड में कब देखा गया है, इरेडिकेट कब किया गया है, इंडिया से कब इरेडिकेट किया गया, वर्ल्ड से कब इरेडिकेट किया गया, चार क्वेश्चन बनते, 26 अक्टूबर 1927, ठीक है, 26 अक्टूबर 1977, सोमालिया अफ्रीका, ठीक है, एक जगह है अफ्रीका की, उसको हम बोलते हैं सोमालिया अफ्रीका, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिला है, लास्ट केस मिला है किसका, स्मॉल पॉक्स का। इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया के अंदर लास्ट केस कब देखने को मिला, दैट इज 24 मई 1975 में इंडिया का लास्ट केस था। नेक्स्ट वन इरेडिकेशन का पूछ लेता है आपको, इरेडिकेशन कब हुआ था, देखिए इरेडिकेशन दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, अगर आपको पूछ लिया जाए इरेडिकेशन की रिगार्डिंग, वर्ल्ड के अंदर इरेडिकेट कब किया गया था और इंडिया के अंदर कब इरेडिकेट किया गया था, फर्स्ट वन अगर बात करते हैं इंडिया से स्मॉल पॉक्स को कब इरेडिकेट किया गया, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ लेता है वर्ल्ड वाइड कब इरेडिकेशन किया गया, तो इंडिया का जो इरेडिकेशन था वो कब किया गया था, 1977 में, 1977 अप्रैल 1977 जब वर्ल्ड में आखिरी केस था, तब भारत से इसको निकाल दिया गया था, ठीक है। और अगर बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड के अंदर आपको 1980 के अंदर क्या कर दिया गया था, इरेडिकेट कर दिया गया था। डेट आपको हो सके ना पूछे, अगर डेट पूछ लिया जाए तो याद रख लेना 8 मई को, कब, 8 मई, और ये होता आपका अप्रैल के अंदर, 8 मई 1980 से क्या किया गया था, वर्ल्ड से इरेडिकेशन कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स अब दुनिया से चला गया है, अब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस धरती के ऊपर, निकल गया है वो यहां से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन याद रखिएगा, लास्ट केस इन वर्ल्ड 1977, लास्ट केस इन द इंडिया 1975, इंडिया से इरेडिकेट कब किया गया, 1977 अप्रैल में, और वर्ल्ड से इरेडिकेट कब किया गया था, 1980, 8 मई 1980 को इरेडिकेट कर दिया गया था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, सॉरी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट, देखिए सारी वैक्सीन अपन एट ए टाइम ऑफ बर्थ देते हैं एक्सेप्ट वन, सारी वैक्सीन अपन क्या करते हैं एट ए टाइम ऑफ बर्थ देते हैं, एट बर्थ एक्सेप्ट वन, कौन सी नहीं देंगे, कौन सी वैक्सीन अपन एट ए टाइम ऑफ बर्थ नहीं देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए, विच वैक्सीन इज नॉट गिवन एट ए टाइम ऑफ बर्थ, आपको एक्सेप्ट करके पूछा गया है सेम क्वेश्चन, कि सारी की सारी वैक्सीन अपन कब दे रहे हैं,
बर्थ के टाइम पे दे रहे हैं, एक वैक्सीन ऐसी जो अपन बर्थ के टाइम पे नहीं दे रहे हैं। आंसर पुट कीजिएगा, राइट आंसर पुट करिएगा भाई, विच वन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, हेपेटाइटिस ए। देखिएगा हेपेटाइटिस ए की जो डोज होती है एट वन ईयर एडमिनिस्टर करते हैं, कब? एट वन ईयर, याद रखिएगा। एक साल पे आपको क्या करनी है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन बेबी को करना है। क्लियर हुआ? बीसीजी एंड पोलियो भी आगे पढ़ेंगे अपन, पूरा का पूरा आपको क्लियर करवाऊंगा। हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हेपेटाइटिस बी अपन कब देते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, जस्ट विद इन 24 आवर, जस्ट इन 24 आवर ऑफ बर्थ, बेबी की जब डिलीवरी हो चुकी है तो 24 घंटे के अंदर आपको देना है। ये कब देंगे? ये जब देंगे जब फीमेल क्या है, हेल्दी फीमेल है। फीमेल क्या है? हेल्दी है। अगर मान लीजिएगा फीमेल को हेपेटाइटिस होता है, अगर फीमेल को हेपेटाइटिस बी होता है तो वहां पर आपकी ये जो प्रायोरिटी है वो बदलकर क्या हो जाएगी, जस्ट इन 12 आवर ऑफ बर्थ। ये चीज ध्यान रखिएगा, जस्ट इन 12 आवर ऑफ बर्थ, बेबी की जब डिलीवरी हो जाएगी तो बर्थ के अंदर 12 घंटे में आपको देना है। ये कब करते हैं? व्हेन द मदर इज, व्हेन मदर इज इंफेक्टेड, जब मदर क्या है, इंफेक्टेड है, किसके साथ में? हेपेटाइटिस बी के साथ में। किसके साथ में? जब मदर को हेपेटाइटिस बी है तो जस्ट इन 12 आवर आपको हेपेटाइटिस बी देना है, और जब मदर क्या है, हेल्दी है, तो उस टाइम में आपको हेपेटाइटिस बी कब देना है, जस्ट इन 24 आवर ऑफ बर्थ। चलिए बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज। और देते कितना है, हेपेटाइटिस बी की बात कर लेते हैं, 0.5 ml एडमिनिस्टर करते हैं, कितना, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली, वेस्टस लैटरलिस मसल के अंदर, ठीक है, कहां पर, वेस्टस लैटरलिस मसल के अंदर, याद रखिएगा ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली वेस्टस लैटरलिस मसल के अंदर। क्लियर हुआ? चलिए आगे ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां पर कई बार ये भी पूछ लेता है, ये जो वेस्टस लैटरलिस मसल है आपकी थाई की, ये कौन सी होनी चाहिए, आपकी लेफ्ट थाई, किसके ऊपर, लेफ्ट थाई के अंदर। छोटी छोटी हर एक चीज क्लियर करेंगे, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा बेटा। द एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन इज, लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है बीसीजी, मीजल्स, कोलेरा या फिर ए एंड बी। एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। थैंक यू सो मच अनिल फॉर डोनेटिंग 60 रुपीज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन इज बीसीजी, मीजल्स, कोलेरा, ए एंड बी, विच वन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बीसीजी और मीजल्स बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, दोनों के दोनों क्या है, आपके लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल है। अब थोड़ा ट्रिक के साथ पढ़ लेते हैं, कौन सी लाइव होती है और कौन सी किल्ड वैक्सीन, याद रखिएगा, जानी मानी ट्रिक जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। बॉय लव द क्राइम, फर्स्ट वन इज द बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन, देखिएगा ओपीवी जो आती है आपकी किसमें आती है, लाइव वैक्सीन के इंक्लूड होती है। थर्ड वन येल्लो फीवर, एक चीज आपको येल्लो फीवर की रिगार्डिंग याद रखिएगा, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, जितनी भी आपकी लाइव वैक्सीन होती है, ठीक है, वो सारी क्या है आपकी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, एक्सेप्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सेप्ट कौन सी रहेगी, एक्सेप्ट आपकी रहेगी येलो फीवर, कौन सी रहेगी बेटा, येलो फीवर, येलो फीवर कैन एडमिनिस्टर इन द प्रेगनेंसी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सारी की सारी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, बट प्रेगनेंसी में अपन येलो फीवर दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, येलो फीवर आपकी किसमें आएगी, लाइव के अंदर आएगी। नेक्स्ट वन इज द टाइफॉइड, नेक्स्ट वन इज द चिकन पोक्स, सी इंडिकेट द चिकन पोक्स, नेक्स्ट वन इज आर इंडिकेट द रूबेला,
आर इंडिकेट द रूबेला. नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लुएंजा इंट्रानेजली. किसके थ्रू? इंट्रानेजली. मीजल्स मम्स एंड लास्ट वन इज द एपिडेमिक टाइफस. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन. याद रख लीजिएगा लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के रिगार्डिंग सिंगल क्वेश्चन याद रख लीजिएगा. एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा. एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा. क्लियर हुआ? हाँ. सारी की सारी क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है. एक एक्सेप्शन याद रखिएगा. ठीक है. येलो फीवर वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर इन प्रेगनेंसी. दे सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखिएगा. नेक्स्ट वन बात करते हैं किल्ड वैक्सीन के लिए. किल्ड वैक्सीन की जो ट्रिक रहेगी दैट इज परी चार थी दिल्ली में. भाई पूरी दिल्ली के अंदर चार ही परियां हैं. ठीक है. उसके अलावा नहीं है. और आज भी चार ही है. पहले से भी चार ही चली आ रही है. ट्रिक याद रखिएगा. आईपीवी हेपेटाइटिस ए एंड बी रैबीज इन्फ्लुएंजा किल्ड. नेक्स्ट वन कोलेरा टाइफॉइड किल्ड एंड डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस. अब एक चीज और बता देता हूं आपको यहां से. डीपीटी अपन किल्ड के अंदर इंक्लूड करते हैं. किसमें इंक्लूड करते हैं? किल्ड के अंदर. लेकिन यहां पर डिप्थीरिया अगर सेपरेटली देते हैं. क्या करते हैं? डिप्थीरिया अगर अकेला देते हैं तो टॉक्सोइड के अंदर इंक्लूड होता है. किसमें इंक्लूड होता है? टॉक्सोइड में इंक्लूड होता है. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टॉक्सोइड में देते हैं डिप्थीरिया तो किल्ड के अंदर कैसे इंक्लूड किया? केवल अगर अपन डीपीटी फॉर्मेट में दे रहे हैं डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस तो आपका टिटनेस भी क्या है? टॉक्सोइड के अंदर ही आएगा. किसमें आएगा? टॉक्सोइड में आएगा. कौन सा? टिटनेस. समझ में आ गया सभी को? लेकिन यहां पर क्या था? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस. तीनों क्या है? कंबाइन फॉर्मेट में दे रहे हैं. क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ ए टॉक्सोइड इज द. टॉक्सोइड का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? पहला है रैबीज, दूसरा है डिफ्थीरिया, तीसरा है पर्टुसिस, चौथा है मीजल्स. अभी हमने क्लियर किया है एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सोइड. चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा. एन एग्जाम्पल ऑफ ए टॉक्सोइड. टॉक्सोइड का एग्जाम्पल कौन सा आ गया? अभी हमने क्लियर किया है डिप्थीरिया वैक्सीन जो रहेगी. ठीक है. सेपरेटली अगर देते हैं किसका एग्जाम्पल है? ये टॉक्सोइड का एग्जाम्पल है. और डीपीटी के फॉर्मेट में दे रहे तो किल्ड वैक्सीन रहेगा. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन बेसिक भी आते हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए. रिकमेंडेड साइट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस इन द इन्फेंट. इन्फेंट के अंदर जो रिकमेंडेड साइट रहेगी किसकी? डीपीटी की. इन्फेंट में डीपीटी की रिकमेंडेड साइट कौन सी रहेगी? इन्फेंट में डीपीटी की रिकमेंडेड साइट कौन सी रहेगी? आंसर पुट कीजिएगा फटाफट. ग्लूटियल, डेल्टोइड, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई एंड लास्ट वन इज द फोर आर्म. राइट आंसर पुट कीजिएगा जल्दी से. टॉक्सोइड इज पेसिव एक्वायर वैक्सीन. आंसर पुट कीजिएगा डीपीटी के लिए. इन्फेंट में रिकमेंडेड साइट क्या रहने वाली है? वेरी गुड. लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं भाई इसके अंदर. देखिएगा सारा कंफ्यूजन दूर कर लेंगे, कुछ भी इसके अंदर बाकी नहीं छोड़ने वाले हैं. वेरी गुड. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. वेस्पस लैटरलिस मसल ऑफ थाई. थाई की वेस्टस लैटरलिस मसल के अंदर अपन क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं. और वो भी कौन सी? लेफ्ट थाई के अंदर इंजेक्ट करने वाले हैं. किसमें इंजेक्ट करने वाले हैं? लेफ्ट थाई के अंदर इंजेक्ट करने वाले हैं. डोज सेम रहेगी 0.5 ml. कितनी? 0.5 ml. और इंट्रा मस्कुलर तो हो ही गया है. कौन सा हो गया है? IM रूट के थ्रू 0.5 ml लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई या वेस्टस लैटरलिस मसल. आप याद रख लीजिएगा ये भी अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए. वेस्टस लैटरलिस मसल, सारे जितने भी वेस्टस लैटरलिस मसल के अंदर दे रहे वो सारे के सारे लेफ्ट थाई के अंदर देंगे. क्लियर हुआ सभी को? डीपीटी की डोज की बात कर लेते हैं. डीपीटी जो अपन एडमिनिस्टर करते हैं वो सेम डोज रहेगी. कौन कौन सी? 6 वीक 10 वीक और 14 वीक. 6 वीक 10 वीक और 14 वीक पर अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं.
नेक्स्ट सर क्या इसकी बूस्टर डोज भी लगती है? जी हाँ बेटा, इसकी दो बूस्टर डोज लगती है, डीपीटी फर्स्ट और डीपीटी सेकंड। ठीक है, डीपीटी की बूस्टर डोज लगती है, बूस्टर फर्स्ट एंड सेकंड। बूस्टर फर्स्ट की बात करते हैं 16 से 18 वीक पर क्या होती है आपकी पहली बूस्टर डोज लगती है। सेकंड बूस्टर डोज लगने वाली है कब? 5 साल की उम्र के अंदर। डीपीटी का अगर बूस्टर डोज की बात करते हैं तो सेकंड बूस्टर डोज एट द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल की उम्र के अंदर दूसरी बूस्टर डोज अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? सेकंड बूस्टर डोज अपन कब लगाते हैं? 5 साल की उम्र में। बूस्टर फर्स्ट कब लगाते हैं? 16 से 18 वीक पर लगाते हैं। ठीक है, 16 से 18 वीक के ऊपर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 0.5 ml वेस्टर्न लेटरल इज 6, 10, 14, 16, 18 पर पहली और 5 साल पर दूसरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन टू ए प्रेग्नेंट लेडी, इनमें से कौन सी वैक्सीन अपन प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं? टू ए प्रेग्नेंट लेडी, पहला है मीजल, दूसरा है बीसीजी, तीसरा है टिटनेस और चौथा है डीपीटी, डिफ्टीरिया पर्टुसिस और टिटनेस। विच वन इज करेक्ट आंसर? 16 से 24 होता है सर। देखिएगा, आपने अगर शेड्यूल के अंदर देखा है या फिर थोड़ा डीपली पढ़ा है, ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर एग्जैक्ट बात करते हैं तो 16 से 18 वीक पर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा, विच वन वैक्सीन कैन गिवन टू ए प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी में अपन कौन सी दे सकते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, टिटनेस। अब ध्यान दीजिएगा, टिटनेस के रिगार्डिंग कुछ नई गाइडलाइन आई है। हमने पढ़ रखा है कौन सा? 16 से 24 वीक फर्स्ट डोज, ये हमने ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है। उसके बाद में 4 वीक आफ्टर अपन क्या देते हैं? सेकेंड डोज देते हैं। 4 वीक आफ्टर अपन क्या देते हैं? सेकेंड डोज देते हैं। ऐसा ही कुछ पढ़ रखा है। दीज आर द ओल्ड गाइडलाइंस, ये क्या थी आपकी? पुरानी गाइडलाइंस है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ अपडेट हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है? कुछ अपडेशन हुआ है, तो अपडेशन देख लीजिएगा। अपडेशन की बात करते हैं तो आपके जो टिटनेस टॉक्सोड होता है, तो टीटी की जो पहली डोज होती है, टीटी फर्स्ट अपन कब देते हैं? व्हेन फीमेल कम्स टू द एएनसी, जब फीमेल पहली बार आपकी एएनसी के ऊपर आती है, एंटीनेटल चेकअप के ऊपर आ रही है। क्लियर हुआ? तो टीटी फर्स्ट कब लगाते हैं? एट फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के ऊपर, फर्स्ट एएनसी विजिट पर आ रही है तब अपन क्या करते हैं? पहली बार आप उसको टिटनेस फर्स्ट एडमिनिस्टर करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये चीज? टीटी फर्स्ट अपन कब लगाते हैं? फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप के ऊपर जब फीमेल आ रही है उसी टाइम अपन क्या करते हैं? लगा देते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, उसके बाद में सेकंड वन वही आपकी क्या करेंगे? 4 वीक आफ्टर लगाते हैं, 4 वीक आफ्टर। अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है तो फीमेल पहली बार एएनसी के ऊपर चली जाएगी, तो जब फीमेल पहली बार कॉन्टेक्ट में आएगी डॉक्टर के, तभी डॉक्टर क्या करेगी? उसको सलाह देगी कि आप अब टिटनेस टॉक्सोड लगवा लीजिए, ये उचित समय है आपके बच्चे को टिटनेस से बचाने के लिए। तो वहां पर अपन क्या करते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पहली डोज एडमिनिस्टर करवा देते हैं। समझ में आ गया सभी को? चलिए दूसरी बात करते हैं। टिटनेस टॉक्सोड आप सभी को पता है कितना एडमिनिस्टर करते हैं? 0.5 ml, कहां पर? अपर आर्म के ऊपर 0.5 ml, इंट्रामस्कुलरली, डेल्टोइड मसल्स के अंदर। किसके अंदर? डेल्टोइड मसल, अपर आर्म। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर देखिएगा एक बार सभी स्टूडेंट, लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, टीडी लगाते हैं, वहां पर टीडी में क्या होता है? टिटनेस टॉक्सोइड प्लस एडल्ट डिफ्थीरिया, प्लस एडल्ट डिफ्थीरिया, ये वैक्सीन आती है आपकी, ठीक है, टीडी या फिर टीडी, ठीक है। ये जो आप बता रहे हैं टीडी या डीटी, इसका मतलब क्या है? टिटनेस टॉक्सोइड प्लस एडल्ट डिफ्थीरिया, दो वैक्सीन की कॉम्बिनेशन है ये, दो वैक्सीन की कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
हाँ, सीएचओ के लिए एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नियोनेट बोर्न टू वुमेन इन्फेक्टेड विद द हेपेटाइटिस बी शुड अंडरगो विच ट्रीटमेंट। अभी हमने इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग बात की है, अभी हमने इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग बात की है, समझिएगा ध्यान से। एक नियोनेट बोर्न हुआ है, ठीक है, किस फीमेल को क्या है, इन्फेक्टेड विद द हेपेटाइटिस बी, फीमेल को हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है, शुड अंडरगो विच ट्रीटमेंट। तो हम उस बेबी को कौन सा ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट बर्थ एंड वन मंथ, एट बर्थ हमने दिया और उसके बाद में एक महीने पर देना है। दूसरा हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एट बर्थ एंड नो हेपेटाइटिस वैक्सीन, तो फिर वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। तीसरा है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 48 आवर ऑफ बर्थ एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ग्लोबुलिन विद इन 12 आवर। नेक्स्ट वन हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एज यूजुअल। आंसर पुट करें भाई जल्दी से, वेरी गुड, ऑप्शन डी यहां पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या करेंगे, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन अपन एडमिनिस्टर करते हैं 12 घंटे के अंदर अंदर, और रिमेनिंग जो आपकी वैक्सीनेशन की डोज रहेगी वो एज यूजुअल चलती रहेगी। वैक्सीनेशन की डोज रहेगी हेपेटाइटिस बी की रिगार्डिंग 6, 10, 14 वीक पर, वो एज यूजुअल कंटिन्यूअस रहेंगी। क्लियर हुआ? हाँ, तो इंट्रामस्कुलरली 0.5 ml वेस्टस लैटरलिस मसल के अंदर, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली वेस्टस लैटरलिस मसल के अंदर पर क्या देते हैं, 6, 10, 14। समझ में आ गया? ये तो आपका एज यूजुअल चलेगा, और उसके साथ अपन जो एट बर्थ दे रहे हैं वो जस्ट इन 12 आवर अपन एडमिनिस्टर करते हैं, जस्ट इन 12 आवर अपन क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करने वाले हैं इस बेबी को। जहां पर अपन 24 घंटे का टाइम लगा रहे थे वहां पर जस्ट इन 12 आवर आपको एडमिनिस्टर करनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी वैक्सीनेशन आपकी इंक्लूड की गई है, डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस हेपेटाइटिस बी और हिब। तीसरा सेकंड वन है पोलियो टीबी मीजल्स मम्स और हिमोफिलस बी। थर्ड वन है मीजल्स मम्स रूबेला टीबी एंड हिमोफिलस बी। एंड लास्ट वन है मीजल्स मम्स रूबेला एंड हेपेटाइटिस बी और हिब। विच वन इज राइट आंसर, जल्दी से आंसर पुट कर दीजिएगा, सही आंसर पुट कर दीजिएगा। पेंटावेलेंट वैक्सीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आपकी इंक्लूड की गई है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किस किस डिजीज के लिए ये प्रोटेक्शन करने वाली है। 5 वैक्सीन को एक साथ इंक्लूड किया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट बोलते हैं। पेंटावेलेंट फर्स्ट देखिएगा, पेंटावेलेंट फर्स्ट, पेंटावेलेंट सेकेंड, पेंटावेलेंट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों की जो डोज रहेगी वो अलग अलग एज पर अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। याद रख लीजिएगा 6, 10 और 14 वीक, 6, 10 और 14 वीक पर अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहां पर कौन कौन सा रहेगा, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये पांचों क्या है आपकी पेंटावेलेंट कर इंक्लूड की गई है, और 6, 10 और 14 पेंटावेलेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा, द डाइल्यूएंट यूज इन टू द मीजल शुड स्टोर। यहां पर अपन क्या करें, डाइल्यूएंट यूज इन टू द मीजल शुड स्टोर, कहां पर स्टोर करेंगे, फ्रीजर एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, विच वन इज करेक्ट आंसर। समथिंग 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, 2 घंटे बैक टू बैक आपकी क्लास चलने वाली है 6 से 8 बजे तक, तो कंटिन्यू क्लास के अंदर बने रहिएगा, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करेंगे, इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग और प्रिवेंशन के रिगार्डिंग, जितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, एग्जामिनर जहां अपना दिमाग लगा सकता है वो सारे क्वेश्चन अपन पहले से क्लियर करके रखेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर अपने क्या करना हो, केवल आंसर को क्लिक करना हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आंसर पुट करिएगा फटाफट, डाइल्यूएंट यूज इनटू द मीजल्स शुड स्टोर, कहां पर स्टोर करने वाले हैं, वेरी गुड, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फ्रीजर में नहीं रखेंगे, फ्रीजर या डीप फ्रीज की बात की थी हमने, किसके लिए यूज करते हैं, केवल ओपीवी के लिए यूज में लेते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो यहां पर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन क्या करते हैं, मीजल्स वैक्सीन को स्टोर करते हैं, और देते कैसे हैं, 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू, कौन से, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं।
याद रहेगा सभी को, एट 9 मंथ ऑफ एज, बहुत बार पढ़ा है हमने सर, विथ विटामिन ए 9 मंथ की एज के अंदर सबक्यूटेनियस वैक्सीन देते हैं 0.5 ml एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या काम मिलेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। अगर बात करते हैं किसकी, मीजल्स वैक्सीन की, मीजल्स वैक्सीन के एक लाइफ लेस वैक्सीन एक पाउडर फॉर्मेट के अंदर आती है, किसमें आती है बेटा, पाउडर फॉर्मेट के अंदर आती है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं यानी इसको मिक्स करेंगे। अब रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या मिक्स करने वाले हैं, नॉर्मल सेलाइन मिक्स करेंगे, डिस्टिल वाटर मिक्स करेंगे या फिर और कोई सा फ्लूड अपन लेकर आने वाले हैं, आंसर दीजिएगा भाई। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर या स्टेराइल वाटर, क्या यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर या फिर स्टेराइल वाटर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्टेराइल वाटर भी बोल सकते हैं, याद रहेगा सभी को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे ही आपने रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया, सो यूज इन 4 hours, यूज इन 4 hours, आपको जस्ट इन 4 घंटे में क्या कर लेनी है, इसको यूज कर लेनी है। अगर मान लीजिएगा आपने इसको यूज नहीं किया है, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपने इसको 4 घंटे में यूज नहीं किया है तो आपकी जो MMR वैक्सीन होती है, मीजल्स मम्स रूबेला, वो क्या कोज करती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज करती है, क्या कोज करती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम का, अगर आपने इसको 4 घंटे में यूज नहीं किया है और 4 घंटे बाद में आप यूज कर रहे हैं, 4 घंटे बाद में आपको क्या करना है, आफ्टर इट डिस्कार्ड कर देनी है, आफ्टर इसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देनी है, फेंक देनी है, दबा देनी है, ठीक है, लैंड फिलिंग कर देनी है, फिर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर इसको लगा दिया, अगर इसको लगा दिया तो बेबी के अंदर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि हमने 4 घंटे के बाद में उसको यूज किया है तो क्या देखने को मिलेगा, टॉक्सिक सिंड्रोम यूज, ठीक है, क्या होगा, टॉक्सिक सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। ये मीजल्स के रिगार्डिंग सब कुछ हो गया। मीजल्स को क्या बोलते हैं, रूबियोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूबियोला। चलिए अगला क्वेश्चन, सब कुछ क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहां इसके रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द रूबियोला, इसको हम क्या कहते हैं, रूबियोला कहते हैं, या फिर इसके आपको क्या देखने मिलते हैं, 3 CAs यानी कफ कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, कफ कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट वन, इट इज ऑल्सो नोन एज द 4-day fever, यहां से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई, इट इज ऑल्सो नोन एज 4-day fever, रूबियोला या फिर 3S सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या रहेगा इसका, RNA पैरामिक्सो वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट रहेगा, क्या रहेगा, RNA पैरामिक्सो वायरस इज कॉजेटिव एजेंट। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द ड्रॉपलेट, मोस्ट कॉमनली ड्रॉपलेट इंफेक्शन के द्वारा क्या होता है इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन रहने वाला है। इंक्यूबेशन पीरियड से बहुत बार सवाल आ चुके हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के तो स्टार मार्क लगा लीजिएगा 10 to 14 days, 10 टू 14 डेज क्या है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट वन, क्लिनिकल फीचर अगर डिजीज की बात कर लेते हैं, कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है, कफ कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट वन, आपको कॉपलिक स्पॉट देखने को मिलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम का सबसे प्रिय क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, कॉपलिक स्पॉट, रेसेस प्रेजेंट एट द बक्कल कैविटी जस्ट अपोजिट टू द सेकंड लोअर मोलर टीथ, कहां पर, जस्ट अपोजिट टू सेकंड लोअर मोलर टीथ आपको क्या मिलेंगे, कॉपलिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला कॉम्प्लिकेशन, दैट इज ओटाइटिस मीडिया, क्या होता है इसका, ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट वन, कुछ इंपोर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट सीरियस, 3 चीजें बात करें, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा आपका, दैट इज ओटाइटिस मीडिया, कौन सा रहता है, ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट वन आपको पूछा गया है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, दैट इज न्यूमोनिया, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन न्यूमोनिया, और मोस्ट सीरियस बट रेयर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफेलाइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफेलाइटिस द मोस्ट सीरियस बट रेयर कॉम्प्लिकेशन।
तीनों सवाल याद रखिएगा बेटा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन निमोनिया, मोस्ट सीरियस बट रेयर कॉम्प्लिकेशन इज सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एनसेफलाइटिस, याद रहेगा। चलिए अब तो श्योर है सर सिलेक्शन होके रहेगा। जी बिल्कुल बेटा, सिलेक्शन चाहिए ही। जब हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद में क्वेश्चन कहां से आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन इन बिटवीन द, कोल्ड चेन के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अब एक सवाल और आता है आपका कि कोल्ड चेन के अंदर ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड करते हैं या स्टोरेज को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड करते हैं या फिर स्टोरेज को इंक्लूड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जो भी वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करें या स्टोर करें, दोनों के दोनों किसके अंडर में आते हैं, बोथ आर इंक्लूड इन कोल्ड चेन। दोनों किसमें इंक्लूड की जाती है आपकी, कोल्ड चेन के अंदर होता है। यानी टेम्परेचर आपको स्टोरेज के टाइम भी मेंटेन करना है और ट्रांसपोर्ट में भी, वो सारा किसमें होगा, कोल्ड चेन के अंदर में अपन क्या करेंगे, काम करने वाले हैं। क्लियर हुआ सभी को, वेरी गुड। +2 to +8 degree Celsius एक ऐसा सवाल जो एग्जाम के अंदर आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, कोल्ड चेन के 6 rights, कोल्ड चेन क्यों हमने डेवलप किए, 6 rights ऑफ कोल्ड चेन क्वेश्चन पूछ सकता है। 6 rights ऑफ कोल्ड चेन, कोल्ड चेन के 6 rights कौन कौन से, ऐसा क्या हमारा अधिकार है जिसके द्वारा अपन कोल्ड चेन ने हमने यूज ली है। सबसे पहला है, हमेशा आपकी जो वैक्सीन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, राइट वैक्सीन, कि सही वैक्सीन को सही जगह पर, ठीक है, सही मात्रा में, राइट क्वांटिटी के अंदर, किसमें, राइट क्वांटिटी के अंदर, समझ लीजिएगा, देखिएगा, राइट वैक्सीन को राइट क्वांटिटी के अंदर राइट प्लेस के ऊपर, कहां पर, राइट प्लेस के ऊपर, एक राइट कोस्ट में आपको पहुंचानी है, और राइट टाइम होना चाहिए आपका, समय भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं वैक्सीन की डिमांड आज है और 2 दिन बाद में आपकी वैक्सीन पहुंच रही है, क्लियर हुआ। ऐसा नहीं आपने उसको कोल्ड चेन को तोड़ दिया, वैक्सीन खराब हो गई, उसकी कंडीशन भी सही होनी चाहिए, क्लियर हुआ। और उसके साथ साथ वहां पर ऐसा नहीं कि उसका खर्चा ज्यादा आ गया है गवर्नमेंट के ऊपर, तो कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। डोज, देखिए क्वांटिटी अपन यहां पर मीजर करने वाले हैं, क्या मीजर करने वाले हैं, क्वांटिटी, डोज तो जब अपन एडमिनिस्टर करेंगे उस टाइम में मीजर करेंगे कि कितनी डोज अपन देने वाले हैं। यहां पर अपन वायल की क्वांटिटी को काउंट कर लेंगे। सो राइट वैक्सीन राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पर, राइट समय में, राइट कंडीशन और राइट कॉस्ट में आपको क्या करनी है, पहुंचानी है। इन सब राइट्स के लिए हमने क्या किया है, हमने कोल्ड चेन को डेवलप किया है। समझ में आया सभी को, और कोल्ड चेन में स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों इंक्लूड होते हैं। कई बार सवाल आ जाता है, दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हम किसके लिए करते हैं इस चीज को, कोल्ड चेन, यानी चेन तो क्या हो रही है, सर्किल के लिए काम आ रही है, इसमें हो सकता है इसको केवल और केवल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज में लेते हो, जी नहीं, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट बोथ आर इंक्लूड इन द कोल्ड चेन। क्लियर हुआ सभी को, वेरी गुड। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए भाई, लाइक में आप कंजूसी ना करें, सुबह सुबह का मूड आपका फ्रेश रहेगा, डेली सुबह वाली डोज आपको मिलती रहेगी। एक बार फटाफट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, उसमें कंजूसी ना करें, वरना इम्यूनाइजेशन हर एक तक पहुंचाना पड़ेगा हमें, ठीक है। आज हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन है, तो जिसके पास वैक्सीन लगी हुई नहीं है वो लगवा भी सकता है, ठीक है, चलेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, द वैक्सीन लोस देयर पोटेंसी इफ एक्सपोज टू टेम्परेचर अबव 8 degree Centigrade। ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जो अपनी पोटेंसी को लोस कर देती है, यानी अब वो वैक्सीन काम में नहीं आने वाली, कब, जब उसका टेम्परेचर मोर देन 8 degree Centigrade चला गया है, जब उसका टेम्परेचर क्या हो गया, 8 degree Centigrade से ज्यादा चला गया है। जल्दी से आंसर पुट कीजिएगा भाई, वैक्सीन लोस देयर पोटेंसी इफ एक्सपोज
टू द टेम्परेचर अबाउट 8 डिग्री सेल्सियस। जी बिल्कुल, आज बच के रहना, लाइक शेयर करते रहना। वैक्सीन बहुत सारी अपने पास, हमने स्टोर भी कर रखी है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं, ठीक है। तो आपका नंबर नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको सारी वैक्सीन बचपन में लग चुकी है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगी। जल्दी से आंसर पुट कर दीजिएगा कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बहु क्या हो जाती है, अपनी पोटेंसी को लॉस कर देती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है टीटी, डीपीटी और डीटी। दूसरा है टीटी डीपीटी पोलियो। तीसरा है टीटी डीपीटी बीसीजी। और चौथा है टीटी डीपीटी और मीजल्स। विच वन इज करेक्ट आंसर? यहां पर ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा। आप आंसर पुट कर रहे हैं टिटनेस, टॉक्स, डिप्टीरिया पर्टुस टिटनेस और पोलियो। हाँ चलिए, राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, टिटनेस, टॉक्स, डिप्टीरिया पर्टुस टिटनेस। और नेक्स्ट वन इज द डीटी, नेक्स्ट वन इज डीटी, एडल्ट डिफ्टीरिया और टिटनेस। ये आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। यानी मोर देन 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगी, इनकी पोटेंसी लॉस हो सकती है। मोर देन 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन ये क्या कर सकते हैं, अपनी पोटेंसी को लॉस कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं। फर्स्ट वन इज द हीट रेजिस्टेंट एंड फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। हीट रेजिस्टेंट और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जिनको डीप फ्रीजर में रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो क्या है, फ्रिज के लिए सेंसिटिव है। फ्रिज का मतलब यहां पर अपनी बात करें किसकी, फ्रीजर की, किसकी बात करें, फ्रीजर की। और हीट रेजिस्टेंस का मतलब अगर कुछ टेम्परेचर बढ़ता भी है तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, समझ लीजिएगा। हाँ, पोलियो अगर देखिएगा आप, ऑप्शन बी अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर कौन सा आ रहा है आपका, पोलियो आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, मोर देन 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पूछा है, मोर देन 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आपको पूछा है। ये दोनों चीजें याद रख लीजिएगा, एग्जाम में यहां से सवाल गलत होता है, समझ में आ गया, यहां से सवाल गलत होता है, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। कौन सा, हीट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, फिर फ्रीज सेंसिटिव बोल सकते हैं। एग्जाम्पल याद रख ली क्या, डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस डीटी, टिटनेस टॉक्सोइड प्लस एडल्ट डिफ्थीरिया। नेक्स्ट वन, टिटनेस टॉक्सोइड पेंटावेलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी, ये सारी की सारी वो वैक्सीन है जो क्या है, हीट के लिए रेजिस्टेंस शो करती है और फ्रीज के लिए सेंसिटिव है। इसके अपोजिट जस्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट वन, हीट सेंसिटिव और फ्रीज रेजिस्टेंस वैक्सीन तीन होती है, कौन कौन सी, बीसीजी, मीजल्स और ओपीवी। बीसीजी, मीजल्स और ओपीवी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन। अब यहां पर आंसर पुट कीजिएगा, दो सवाल है, दोनों अलग अलग है, मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंड मोस्ट हीट सेंसिटिव, दोनों चीजें अलग अलग है। पहला पूछा है हीट रेजिस्टेंस, दूसरा पूछा है हीट सेंसिटिव। मैं आपको पीछे दिखा देता हूं, याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा, पहला पूछा आपको हीट रेजिस्टेंस, दूसरा पूछा है हीट सेंसिटिव, यानी दोनों जगह से एक एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। आपकी सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी। पहला है हीट रेजिस्टेंस, दूसरा है हीट सेंसिटिव। आंसर पुट कीजिएगा, टिटनेस आपका हीट रेजिस्टेंस है, डीपीटी आपका क्या है, हीट सेंसिटिव है। दूसरा बोला गया टिटनेस आपका हीट रेजिस्टेंस है, दूसरा है ओपी आपका हीट सेंसिटिव है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने डीपीटी आपका हीट रेजिस्टेंस है और मीजल्स आपका हीट सेंसिटिव होगा। नेक्स्ट वन डिप्टीरिया एडल्ट और टिटनेस टॉक्सोइड आपका हीट रेजिस्टेंस और ओपी आपका हीट सेंसिटिव है। विच वन इज करेक्ट? अब समझाने के बाद में आप आंसर को गलत नहीं करेंगे, इतना तो मुझे उम्मीद है। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बहुत सही जा रहे हैं सभी के सभी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, टिटनेस टॉक्सोइड और ओपीवी। टिटनेस टॉक्सोइड क्या हो गया आपका, हीट रेजिस्टेंस हो गया, और उसके बाद में अगर बात करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की तो क्या हो गया, हीट सेंसिटिव हो गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग।
द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ए पोलियो वैक्सीन इज, आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी के लिए अपन स्टोरेज टेम्परेचर कितना रखेंगे, -20, -10, -5, -15, यू नो वेरी वेल, -20 डिग्री सेल्सियस पर अपन क्या करते हैं, हम पोलियो वैक्सीन को स्टोर करते हैं, कितने पे, -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, नेक्स्ट वन, द बीसीजी मीजल्स एमएमआर वैक्सीन शुड बी स्टोर इन, कौन कौन सी, जस्ट वन मिनट बेटा, सॉरी, देखिए ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू, बीसीजी मीजल्स एमएमआर वैक्सीन शुड बी स्टोर, बीसीजी मीजल्स और एमएमआर को कहां पर स्टोर करेंगे, वेरी गुड, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर अपन क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following syringe is used for the BCG vaccination? BCG vaccination के लिए कौन सी syringe use में लेते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने है 2cc, 5cc, tuberculin और 10cc. आंसर पुट करिएगा भाई जल्दी से, 2cc, 5cc. 17 को एग्जाम है आशीर्वाद, बेटा सुबह 6 बजे से आशीर्वाद की लाइन लग जाती है, आप लेट आए हैं, ठीक है, तो डेली 6 बजे से आप, यही आशीर्वाद हमारा रहेगा कि एग्जाम तक हमारे एक टॉपिक को पूरा डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले डेली सुबह 6 बजे वाली क्लास की डोज लेकर जरूर जाइएगा, वेरी गुड, ट्यूबरकुलिन सीरीज। अब इसके रिगार्डिंग देखिएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं भाई, बीसीजी के रिगार्डिंग कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा कौन कौन से, एक एक चीज को समझते जाइएगा। सबसे पहले, यू नो वेरी वेल, बीसी इज द बैसिलस कालमेट यूरिन, इट इज ए लाइव वैक्सीन, क्या है ये, लाइव वैक्सीन होती है, समझ में आ गया, प्रोटेक्ट किसके रिगार्डिंग करेगी ये, ट्यूबरकुलोसिस, किसके रिगार्डिंग, ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग, यानी ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग में इसकी पोटेंसी कितनी होती है, 80% तक पोटेंसी होती है, याद रहेगा सवाल, सीधा सा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, सीधा सा एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग जो इसकी पोटेंसी होती है कि कितना प्रोटेक्ट कर सकती है, कितना प्रोटेक्ट कर सकती है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 80%। चलिए आगे बात करते हैं, रूट क्या रहेगा, इंट्राडर्मली इसका रूट रहेगा, इंट्राडर्मली इसका रूट रहेगा, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर, कहां पर, लेफ्ट अपर आर्म, इंट्राडर्मल इसका रूट रहने वाला है। नेक्स्ट वन, एट बर्थ इसकी डोज कितनी रहती है, 0.05 ml, अब तक जहां अपन 0.5 ml पढ़ते आ रहे हैं, बीसीजी के अंदर याद रखिएगा भाई 0.05 ml, समझ में आ गया, 0.05 ml होता है एट बर्थ, और अगर मान दिए हैं कि एट बर्थ हमने एडमिनिस्टर नहीं किए तो 6 वीक पर अपन कितना देते हैं, 0.1 ml, और 0.1 ml के अंदर कितना डोज होता है, 1 mg, किसी को मत बताना कितना होता है, 1 mg डोज होता है 0.1 ml में, ये क्वेश्चन पूछता है, याद सभी ने ये कर लिया, उसके बाद में ये कर लिया, एट बर्थ हमने नहीं दिए तो उसके बाद में 6 वीक पर कितनी डोज देंगे, क्वेश्चन के अंदर आ गया 1, 2, 3, 4 mg, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, 1 mg डोज अपन एडमिनिस्टर करते हैं, कब, 6 वीक के ऊपर, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलाई है बेटा, क्या होता है बैसिलाई, किसकी बात कर रहे हैं आप, ये, अच्छा ये तो बैसिलस ही होता है, ठीक है, मैंने सोचा एमटीबी की पूछ रहे आप, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार का क्या है, बैसिलाई, रोड सेफ बैक्टीरिया होता है, एमटीबी बैसिलाई होता है, यहां पर क्या रहेगा आपका, बैसिलस कालमेट यूरिन रहेगा, क्या होगा, बैसिलस कालमेट यूरिन, समझ में आ गया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए बताएंगे, सारी बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है,
लाइफलेस वैक्सीन होती है पाउडर फॉर्मेट के अंदर, किस फॉर्मेट में, पाउडर फॉर्मेट में वैक्सीन होती है, रिकंस्ट्रूट करते हैं किसके अंदर, नॉर्मल सेलाइन, और इसको भी अपन क्या करते हैं 4 घंटे के अंदर यूज करना है, इसको भी क्या करना है आपको विद इन 4, और मीजल्स को अपन किसमें कर रहे थे डिस्टिल वाटर के अंदर कर रहे थे, उसको भी 4 घंटे यूज ले रहे थे, बीसीजी को किसमें करेंगे नॉर्मल सेलाइन में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 to 8 degrees centigrade इसको क्या करेंगे मेंटेन करेंगे टेम्परेचर, यहां से सारे सवाल इंपोर्टेंट है। पहला आफ्टर 2 to 4 वीक आपका क्या होगा, डेवलप द पैप्यूल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद में लेफ्ट अपर आर्म के आपने लगा दी है तो वहां आपको क्या मिलेगा एक पैप्यूल का फॉर्मेशन होगा, कब होगा 2 to 4 वीक, या फिर हो सकता है आपको एग्जाम में 2 to 3 वीक भी देखने को मिल जाए, तो 2 to 3 वीक आपका बेटर आंसर रहेगा, 2 to 4 वीक या 2 to 3 वीक, क्लियर हुआ। दूसरा सवाल देखेगा, अगर मान लीजिएगा आपने वैक्सीन लगाई है, पहले पैप्यूल का फॉर्मेशन हुआ, फिर पैप्यूल का डायमीटर बढ़ा, पैप्यूल का डायमीटर कितना होता है 5 to 8 mm, कब हो जाता है 5 वीक के ऊपर हो जाता है, 5 to 8 mm इसका डायमीटर हो जाता है, जो सर्किल बनता है अपने यहां पर वो 5 वीक पर कितना हो जाएगा 5 to 8 mm हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, 6 to 12 वीक पर क्या होता है परमानेंटली स्कार बन जाएगा, जो आजीवन आपको देखने को मिलेगा, अलग से एक निशानी बन जाती है, ठीक है। जब बड़े होकर देखे तो लगता था कि बचपन में कोई गोली खाई है हमने, ठीक है, ऐसा लगता है। चलिए आगे देखिएगा, आफ्टर 8 to 14 वीक, ये सबसे बड़ा सवाल है, मंटुक्स टेस्ट पॉजिटिव, अगर आप किसी पर्सन के अंदर बीसीजी वैक्सीन लगा रहे हैं और उस पर्सन का आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर रहे हैं तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, कब, आफ्टर 8 to 14 वीक आपको ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टीबी 15 to 20 ईयर, 15 से 20 साल तक आपको क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा, समझ में आ गया यहां तक। अब चलिए बात कर लेते हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया था ट्यूबरकुलिन सीरिंज, कौन सी बताई थी, ट्यूबरकुलिन सीरिंज बताई थी, तो उस ट्यूबरकुलिन सीरिंज का नाम और दूसरा कौन सा पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ओमेगा स्टेट सीरिंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओमेगा, याद रख लीजिएगा, ओमेगा माइक्रोस्टेट या स्टेट दोनों एक ही बात है, ओमेगा माइक्रोस्टेट सीरिंज होती है, ओमेगा माइक्रोस्टेट सीरिंज होती है, 26 गेज होती है, 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है, क्या होती है बेटा 26 गेज होती है और 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहेगी, निडल की लेंथ की बात करते हैं तो कितनी रहती है 1 सेंटीमीटर, 26 क्या रहेगा उसकी गोज रहेगी, क्लियर रहेगा, याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बात कर लेते हैं, दूसरा सवाल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सर दूसरा सवाल क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटेक्शन करते किसके अगेंस्ट करती है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट करते, किसके अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, तो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट इसकी पोटेंसी कितनी होती है 80% पोटेंसी होती है सर, तो इसके अलावा कुछ और भी करती है क्या, बिल्कुल करती है बेटा, किसको प्रोटेक्ट करती है लेप्रोसी को, किसको लेप्रोसी को, नया सवाल है, नई एग्जाम में नए नए सवाल आते रहते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, कल की एग्जाम जो आपकी 17 तारीख की एग्जाम है उसके अंदर ये ना पूछ लिया जाए, ये पूछ लेंगे तो हम इसका आंसर करेंगे सर, कितनी पोटेंसी रहेगी, पोटेंसी रहेगी सर इसकी 20 to 40% लेप्रोसी को भी बचाती है भाई, बीसीजी वैक्सीन बहुत काम की है, ये आपके पास है तो छुपा के रखना इसको। तीसरा ब्लेडर कैंसर के लिए भी देते हैं, किसके लिए ब्लेडर कैंसर के अंदर, ये सवाल पूछ लिया गया था ठीक है, कैंसर इंस्टीट्यूट का एग्जाम लगा था रिसेंटली कुछ दिन पहले, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लेडर कैंसर के लिए भी अपन क्या देते हैं बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं, लेप्रोसी को 20 to 40% तक क्या करती है प्रोटेक्ट करके रखती है, याद रहेगा, समझ में आ गया सभी को। लेफ्ट डेल्टोइड बेटा, साइट राइट या लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर इंट्राडर्मली लेफ्ट डेल्टोइड मसल के, सॉरी इंट्राडर्मली देते हैं, डेल्टोइड एरिया है वो, ठीक है यहां पर नहीं आया क्या, आया तो है बेटा आपने ध्यान नहीं दिया, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर एरिया कौन सा रहेगा डेल्टोइड एरिया, क्लियर हुआ, इंट्राडर्मली 0.05 ml, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है, हाँ चीज एक काम अनेक, ऐसी चीज को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सेल आउट ही करने लग जाओ, याद रखना मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम आपको याद रहेगा, तो ऐसी एक वैक्सीन जो बनी जिस चीज के लिए थी उसके अलावा भी कोई और फंक्शन कर रही है, आपकी तरह ये भी क्या है मल्टी टैलेंटेड है, आपकी तरह ये भी मल्टी टैलेंटेड है,
मतलब आप तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर की, उसके साथ साथ कई बच्चे और भी काम कर रहे हैं, जैसे कुछ ड्यूटी भी करते हैं, ठीक है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उसी प्रकार। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट। पहला जो राउंड हुआ था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का वो कब हुआ था? दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994 या नवंबर 1996, आंसर पुट कीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल, जीएमसीएच का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सीएचयू की तैयारी खींच के करिए, एग्जाम आपके सामने है सीएचयू का, और तैयारी यहां से करेंगे भाई, आरजे करियर पॉइंट से। आपके लिए जल्द ही हम एक ऐसा टेस्ट करवाने वाले हैं जिसमें जितने भी सीएचओ के बच्चे एग्जाम देने जाएंगे वो सारे बच्चे एक साथ टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, डेट आप याद रखिएगा, डेट आप याद रखिएगा, 12, 13 और 14 अप्रैल को आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है 13, 14, 15, तो मैं आपको इसकी डेट सारी कल डिक्लेयर कर दूंगा। चलिए फटाफट आंसर पुट कीजिएगा, वेरी गुड। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड, पहला जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन था वो कब स्टार्ट किया गया था? जस्ट वन मिनट, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। कब? दिसंबर 1995, 9 दिसंबर को क्या हुआ था आपका, पहला राउंड किया गया था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड राउंड, सेकंड राउंड से अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो 1996 के अंदर किया गया था, सेकंड राउंड कब किया गया था, 1996 के अंदर। अरे बैटरी लो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जब तक ऑन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाएगी वो, ठीक है। हाँ, सेकंड राउंड याद रखिएगा 20 जनवरी 1996 कब, 20 जनवरी 1996 को सेकंड राउंड हुआ था। सर 16 का बता दीजिए ना, क्या बेटा क्या बताना है 16 का? अगला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिएगा, इम्यूनाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं अपन, फिर प्रिवेंशन कल कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज आईपीवी, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस इंजेक्शन या ओरल ड्रॉप, विच वन इज राइट? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कैसे एडमिनिस्टर करते हैं भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आप एक मिनट के लिए शांति बनाए रखिएगा, तब तक बैटरी चेंज करवा दी जा रही है, क्लास के अंदर बने रहिएगा, आज ही कंप्लीट करेंगे, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल अपना अगला टॉपिक देखेंगे, तो क्लास को तब तक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जब दोबारा से फिर से क्लास स्टार्ट हो जस्ट एक मिनट बाद में, तो कम से कम 1000 बच्चे बैठे रहने चाहिए। चलिए भाई, वेरी गुड। अच्छा, इसमें भी कुछ दिक्कत रही क्या? ध्यान दीजिएगा, लगता है आज कुछ कैमरे की दिक्कत ही है ना। चलिए राइट आंसर पुट कीजिएगा, अंधेरा वापिस रोशनी में बदल गया है,
तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बात करें, ठीक है, आईपीवी की अगर बात करते हैं तो एडमिनिस्टर कैसे करेंगे? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या फिर इंट्राविनस या ओरल ड्रॉप? वेरी गुड, यहां पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ बच्चों का सवाल है न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल, अगर अपन बात करते हैं प्रीवियस के अकॉर्डिंग आईवी नहीं लेते हैं बेटा, इंट्रा मस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। कैसे? इंट्रा मस्कुलरली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं आईपीवी का, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर बाई इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन, क्लियर हुआ? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन, द टोटल कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन ए वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। पहला है व्हाइट, दूसरा है वॉयलेट, तीसरा है ब्लू और चौथा है पिंक। द टोटल कलर ऑफ सेंटर स्क्वायर, सेंटर स्क्वायर का कलर क्या रहेगा? कहां पर? इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन ए वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। जब आपकी वैक्सीन को अच्छी तरीके से स्टोर किया गया है, वैक्सीन को क्या किया गया है? अच्छी तरीके से स्टोर किया गया है, तो सेंटर स्क्वायर का जो कलर रहेगा वो क्या रहने वाला है? द कलर ऑफ सेंटर स्क्वायर फॉर पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन के लिए व्हाइट रहेगा, वॉलेट रहेगा, ब्लू रहेगा, पिंक रहेगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट। हम बात करें किसकी? वैक्सीन वायल मॉनिटर के अकॉर्डिंग क्या कलर कोड रहेगा? सेंटर के कलर की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात करें? आप देखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट जो आंसर कर रहे हैं, एक बार बता देता हूं सभी को। ब्लू कलर जो आप दे रहे हैं वो आउटर सर्किल होता है। क्या होता है? आउटर सर्किल, क्लियर हुआ? आउटर सर्किल होता है ब्लू कलर, अभी बात करेंगे पूरा। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर। इमेज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इमेज को, हर चीज को समझ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। चारों कंडीशन देख लीजिएगा, ये आपका ए है, बी सी एंड डी, यहीं पर ध्यान रख लीजिएगा। ये ए का क्राइटेरिया है, ये आपका बी का क्राइटेरिया है, ये सी का क्राइटेरिया और डी का क्राइटेरिया है। वैक्सीन ए बी सी और डी। अब एक चीज आपको बता देता हूं, यहां पर जो वीवीएम होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर, उसकी जो आउटर बॉर्डर होती है वो कैसी रहती है? आपकी ब्लू कलर की होती है। तो इनर स्क्वायर इज व्हाइट एंड सर्किल ब्लू कलर, इट मींस वी कैन यूज दिस, हम इसे यूज कर सकते हैं। इनर आपका जो रहेगा वो कैसा रहेगा? क्रिस्टल क्लियर व्हाइट रहेगा, और आउटर कैसा रहेगा? आउटर सर्किल ब्लू कलर का रहेगा, तो हम उसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, पोटेंसी को चेक करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट, दूसरा जो है, इनर स्क्वायर इज लाइट ब्लू, हल्का ब्लू है, और सर्किल इज ब्लू कलर, तो भी हम उसे क्या कर सकते हैं? सेकंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी को अपन यूज कर सकते हैं। थर्ड वन आपको देखिएगा, अगर कलर के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में कलर बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बोथ स्क्वायर सर्किल आर सेम कलर, यानी आपका आउटर और इनर पूरा का पूरा एक जैसे कलर का हो गया, तो हम उसे यूज नहीं करेंगे, उसे फेंक देंगे, हम इन्हें यूज कर सकते। लास्ट वन क्या रहेगा? इनर स्क्वायर इज कलर इज डार्कर या पर्पल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यानी जो इनर स्क्वायर है वो देखिएगा ज्यादा गहरा है। इनर स्क्वायर क्या रहेगा आपका? ज्यादा डार्क रहेगा, और डार्क कैसा रह सकता है? या तो पर्पल कलर का हो सकता है या ब्लैक कलर का हो सकता है। ये कलर इंपॉर्टेंट है, पर्पल कलर, क्योंकि कंफ्यूजन कर देगा कि पर्पल कलर हो सकता है हम इसे यूज कर सकते हैं। लाइट ब्लू को यूज कर सकते हैं, व्हाइट को यूज कर सकते हैं, लाइट ब्लू को यूज कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लू है या डार्क ब्लू, पर्पल और ब्लैक को यूज नहीं करना है। अगर कलर बेसिस आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वीवीएम के अकॉर्डिंग, तो कलर याद रखिएगा, सबसे पहला कौन सा याद रखेंगे भाई? व्हाइट कलर को यूज करेंगे सर। दूसरा, हम लाइट ब्लू को भी यूज कर लेंगे, हम डार्क ब्लू को यूज नहीं करेंगे, हम पर्पल कलर को यूज नहीं करेंगे, और हम ब्लैक कलर को यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वन, द सेकेंडरी प्रिवेंशन इज, अब प्रिवेंशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं,
इन क्वेश्चन का जवाब वो स्टूडेंट अच्छे से दे पाएंगे जिन्होंने मेरी क्लास ली है प्रिवेंशन की। अगर अभी भी आपको लगता है कि प्रिवेंशन के अंदर कुछ आपको कमी लगती है तो एक बार प्रिवेंशन की क्लास जरूर देखेगा जो मैंने आज से 10 दिन पहले ली थी। सिंगल वन क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब आंसर पुट कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले 5 क्वेश्चन आपके लिए अल्टीमेट रहेंगे, यानी ऐसे समझिएगा कि उनका कंसेप्ट आपने समझ लिया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। अब आंसर पुट कीजिएगा, पहला सेकेंडरी प्रिवेंशन इज, सेकेंडरी प्रिवेंशन कौन सा होगा? पहला है सेफ वाटर सप्लाई वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वोयर कंट्रोल, अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, न्यूट्रिशन काउंसलिंग। मैं सबका पूछूंगा आपको, आपने आंसर किया है ऑप्शन बी का, लेकिन मैं आपको सबका आंसर पूछने वाला हूं कि ये किसमें इंक्लूड होगा, ये किसमें इंक्लूड होगा, किसमें इंक्लूड होगा और किसमें इंक्लूड होगा। तो सभी के आंसर के लिए आप तैयार रहें भाई, सभी के आंसर के लिए आप तैयार रहें। वेरी गुड, ऑप्शन बी आपका बहुत अच्छा आंसर है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में सभी को पता है सर, अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे, डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। इसके साथ अपन क्या करेंगे, डिजीज का ट्रीटमेंट भी कर देंगे भाई, क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट भी कर देंगे। जरा एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, सेफ वाटर सप्लाई वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वोयर कंट्रोल कौन सा प्रिवेंशन है? अगर ऑप्शन ए पर आ जाते हैं तो बताइएगा ये किस प्रकार का प्रिवेंशन होगा, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन कौन सा प्रिवेंशन है और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कौन सा प्रिवेंशन है, यानी बैलेंस डाइट की बात कर लेते हैं यहां पर। किसकी बात कर लेते बेटा, बैलेंस डाइट की बात कर लेते हैं। तो बताइएगा कि ये कौन से प्रकार के प्रिवेंशन होंगे, रिमेनिंग कौन से प्रिवेंशन होंगे आपके। जरूरी थोड़ी आपको यही पूछा जाए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ना आपको। ए वाले में प्राइमरी प्रिवेंशन होगा, जी बिल्कुल, वेरी गुड। ए के अंदर क्या होगा आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन होगा, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने भाई, आपको कल मिठाई मिलेगी। चलिए दूसरा बताइएगा, ए वाला प्राइमरी हो गया, सी प्रीमोडियल बता रहे हैं, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, ये क्लास केवल लाइव रहेगी, लाइव होते ही हट जाएगी, ठीक है। अभी जैसे आप क्लास को कंप्लीट करेंगे ये क्लास हटा दी जाएगी, ठीक है। 6 बजे वाली डोज सिर्फ सुबह ही मिलती है। आंसर पुट कीजिएगा जल्दी से, देखिए गुड लिविंग कंडीशन एंड वर्किंग कंडीशन, यानी आप अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, केवल अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। दो चीजें आती हैं, हाँ दो चीजें आती हैं, देखिए एक होता है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग और एक होता है बैलेंस डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं दैट इज प्राइमरी, अगर आप किसी को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कर रहे हैं दैट इज द प्रीमोडियल। किसमें आएगा, प्रीमोडियल के अंदर आएगा, समझ लीजिएगा। प्रिवेंशन का एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा कभी भी, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए यहां पर क्या करें, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कर रहे हैं, आप किसी को समझा रहे हैं, आप किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। आप किसी छोटे बेबी को कह रहे हैं, ठीक है, आप किसी 5 साल के बच्चे को कह रहे हैं, आप किसी 10 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि आपको एक हेल्दी खाना खाना चाहिए, एडवांस चाहिए। यहां पर क्या है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। आपने क्या किया है, रिस्क को डेवलप होने से पहले ही उसका मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया है। रिस्क नॉट येट डेवलप, अभी रिस्क डेवलप नहीं हुआ है, उससे पहले न्यूट्रिशनल काउंसलिंग कर रहे हैं। बैलेंस डाइट रहेगा वो किसमें आएगा, प्राइमरी में आएगा, वेरी गुड। वहां पर क्या है, रिस्क है, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, आपको लो साल्ट लेना चाहिए अदरवाइज बीपी हो जाएगी, आपको लो साल्ट लेना चाहिए अदरवाइज बीपी हो जाएगी, ठीक है। जहां पर रिस्क वहां पर अपन बैलेंस डाइट दे रहे हैं, वर्किंग प्रोसेस हो गई है। बैलेंस डाइट जो दे रहे हैं वो क्या हो गई आपकी, एक वर्किंग प्रोसेस हो चुकी है, यानी एक्शन कर रहे हैं अपन, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर द मीजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर द मीजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और एपिडेमियोलॉजी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और एपिडेमियोलॉजी, विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर पुट कीजिएगा जल्दी से। देखिए, प्रिवेंशन के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रिवेंशन की क्लास देख सकते हैं मेरी, ठीक है, यूट्यूब पर आपको प्रिवेंशन की क्लास मिल जाएगी और उसके अंदर आपको काफी अच्छे से प्रिवेंशन को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में आपका कभी लाइफ में कोई सवाल गलत नहीं होगा। वेरी गुड। देखिएगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है? आंसर सभी का सही है, ऑप्शन ए सर राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, दिमाग बिल्कुल फर्राटेदार चल रहा है सभी का। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? किसी पर्टिकुलर प्रोटेक्शन की, जैसे वैक्सीनेशन करते हैं अपन, क्या करते हैं? वैक्सीनेशन। किसी पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप, क्या करें? पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लाइक एज कॉन्ट्रासेप्शन, क्या हो गया? कॉन्ट्रासेप्शन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। आपको क्या करना है? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट वन, एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक पर्सन जो है बेड नेट लेके सो रहा है, ठीक है, यानी मच्छरदानी ओढ़ के सो रहा है, वो क्या कर रहा है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहा है। किससे? मॉस्क्यूटो से। किससे बेटा? मॉस्क्यूटो से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ गई उसकी। दूसरा है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे अपन? दूसरा हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे? हेल्थ एजुकेशन। यहां से जो सवाल निकल कर आता है, इधर ध्यान दे लीजिएगा, हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे बेटा? हेल्थ एजुकेशन से। किससे? हेल्थ एजुकेशन। तो क्या सर हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी में आएगा? जी बिल्कुल, हेल्थ एजुकेशन किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा, याद रख लेना, अच्छा सवाल है एग्जाम में पूछा जाने वाला। हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे आप? हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे आप? सर हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन देकर, एनवायरमेंट को मॉडिफिकेशन करके। क्या करके? एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करके। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? सर हम सुबह सुबह उठकर साफ सफाई करेंगे मकान की, पेड़ पौधों की क्या करेंगे अपन? गार्डनिंग करेंगे, ठीक है, सैनिटेशन करेंगे, सेफ वाटर सैनिटेशन सप्लाई, ठीक है, जो भी हमारे आसपास कचरा है उसको कलेक्ट करके उसको दूर फेंक देंगे, वो सारा क्या है? हमारा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपनी हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में करते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार का एक प्रकार का क्या है? प्रिवेंशन है। आप डेली हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, प्रिवेंशन आ गया। क्या है? हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हैंड वॉशिंग कर रहे हैं। आप सेफ वाटर सप्लाई कर रहे हैं, एक प्रकार का क्या है? हेल्थ को प्रमोशन करने का तरीका है, वो भी आपका प्राइमरी के अंदर आएगा। वो सारे एग्जांपल जो आप सुबह से शाम तक करते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार के प्रिवेंशन में इंक्लूड है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर रिस्क प्रेजेंट है वहां पर और फिर आप कर रहे हैं तो आपका प्राइमरी में आएगा, अगर रिस्क अभी हुआ नहीं है और फिर भी आप कर रहे हैं तो प्रीमोडल में आएगा। तीसरा होता है, अगर आपको डिजीज है तो किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। डिजीज को सही कर लिया तो किस में आएगा? टर्शियरी में आएगा। क्लियर हुआ? हेल्थ एजुकेशन प्रीमोडल, प्राइमरी में होता है बेटा। देखिएगा, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मास एजुकेशन इंक्लूड इन द प्रीमोडल, मास एजुकेशन प्रीमोडियल में आता है। समझ में आ गया? अगर हेल्थ एजुकेशन की बात करें, हेल्थ एजुकेशन किस में आएगा आपका? हेल्थ प्रमोशन में आएगा। क्लियर हुआ? पैप स्मेयर बीपी टेम्परेचर मेजरमेंट, देखिएगा यहां पर बात करते, अगर पैप स्मेयर स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन किस में देखने को मिलेगा आपको? सेकेंडरी के अंदर देखने को मिलेगा, अर्ली डिटेक्शन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो डिटेक्शन अगर किसी चीज के लिए कर रहे हैं, वो किसमें आएगा आपका? सेकेंडरी का इंक्लूड होगा। चलिए राइट आंसर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सर पीपीई किट, पीपीई किट की बात करें, जहां पर रिस्क है, देखिए मैंने आपको केवल दो ही कंसेप्ट बताए थे याद करने के लिए, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग सबके आंसर सही होंगे। जहां रिस्क है वहां आप कोई वर्क कर रहे तो क्या आएगा? प्राइमरी में आएगा। जहां रिस्क अभी डेवलप ही नहीं हुआ है फिर भी आप वर्क कर रहे हैं तो प्रीमोडियल में आएगा। जहां डिजीज है फिर वहां वर्क कर रहे हैं तो सेकेंडरी में आएगा। तीनों चीजों को रिपीट करके तीन बार सुन लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
ए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट नर्स इज द प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू ए 40 ईयर ओल्ड पर्सन रिगार्डिंग द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट हाइपर टेंशन वॉट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज द नर्स प्रोवाइडिंग आंसर पुट कीजिएगा वॉट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज द नर्स प्रोवाइडिंग सर इंट्राविनस का प्रेशर कितना होता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं इंट्राविनस क्या इंट्राविनस बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी वेन में विच वन इज करेक्ट आंसर अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए बेटा हम क्या करें 40 ईयर के 40 साल के व्यक्ति को क्या कर रहे हम ये कह रहे हैं कि क्या करें आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होगी क्लियर हुआ अब यही चीज दो चीजें आती है बेटा ये हम यहां पर क्या दे रहे हैं उसको नोट करना क्वेश्चन के अंदर हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं अब देखिए जिन बच्चों ने पहले मेरी क्लास ली थी उनके दिमाग में एक सवाल उठकर आएगा अगर उनको याद है तो वरना मैं खुद बता देता हूं क्या सवाल होना चाहिए वहां पर सवाल होना चाहिए सर हेल्थ एजुकेशन आपने बताया था प्राइमरी के अंदर आता है सही बात है अभी मैंने यही बताया लेकिन सर आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो बताया था वो आपने बताया था सर प्रीमोर्डियल के अंदर लेकिन सर ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें दोनों चीजें दे दी गई और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हम क्या करेंगे उसका आंसर हम क्या करने वाले हैं तो वही चीज लगानी है अपने को क्या लगानी है कि सर यहां पर रिस्क है या नहीं है क्या आपको लगता है कि 40 साल वाले पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन हो सकता है जी सर बिल्कुल हो सकता है उसको रिस्क है यहां 40 साल में क्या है बेटा रिस्क प्रेजेंट है तो अब देखिएगा अगर यहां पर हेल्थ एजुकेशन नहीं दिया होता तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हिसाब से आप प्रीमोडियल कर देते इस क्वेश्चन को लेकिन यहां आपको दिमाग लगाना है कि रिस्क है क्या जी सर बिल्कुल रिस्क है तो क्या करेंगे सर प्राइमरी कर देंगे जी बिल्कुल आंसर क्या आएगा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन तो कंसेप्ट क्लियर यहां से करना जहां रिस्क है वहां प्राइमरी है जहां रिस्क है वहां प्राइमरी है क्लियर हुआ और जहां रिस्क नहीं है रिस्क डेवलप होने वाला है और उसको पहले ही दबा दिया हमने क्या आएगा प्रीमोडियल कैसे इधर देख लीजिएगा अगर यही एजुकेशन आप किसको दे रहे होते किसी 5 साल वाले बेबी को दे रहे होते अगर 5 ईयर ओल्ड बेबी को आप क्या कर रहे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की एजुकेशन दे रहे हैं क्या करें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आप कह रहे हैं तो वहां अपन क्या कर रहे हैं उसको कौन सा प्रिवेंशन करवा रहे हैं अपन सर वहां पर अपन करवा रहे हैं प्रीमोडियल क्यों क्योंकि सर नॉट रिस्क प्रेजेंट वहां रिस्क नहीं है सर जब रिस्क नहीं है तो क्या करेंगे सर रिस्क नहीं है तो आपने ही बताया था कि वहां पर प्रीमोडियल कर देना जी बिल्कुल प्रीमोडियल कर देना बिना सोचे समझे ठीक है क्या कर देना प्रीमोडियल प्रिवेंशन कर देना सवाल सही जाएगा आपका तो एक बार मेरे कहने से प्रिवेंशन की क्लास देख लेना कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जी बिल्कुल प्रेगनेंसी में भी रिस्क है ठीक है इसलिए तो वहां पर अपन क्या करें प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए रिस्क है किसका प्रेगनेंसी का तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हेल्थ का प्रमोशन कर रहे और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था अभी क्या कॉन्ट्रासेप्शन तो रिस्क है भाई वहां पर ठीक है किसका रिस्क है प्रेगनेंसी का इसलिए अपन क्या करें प्राइमरी में कर रहे हैं ठीक है एजुकेशन फॉर हेलमेट के लिए एजुकेशन दे रहे हैं कहां पर आएगा आपका ये मास एजुकेशन वाली चीज हो चुकी है आपकी ये क्या हो चुकी है आपकी मास एजुकेशन वाली चीज हो चुकी है वीडियोस में जाके देखना बेटा ऐसे नहीं मिलेगी है ना प्रिवेंशन लगा लेना आगे मेरा नाम लगा देना और तो क्या ही बताऊं मैं आपको आज से समथिंग 10-12 दिन पहले क्लास ली थी मैंने ठीक है चलिए आगे ध्यान दीजिएगा
आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन, कौन सा एक प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन, कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन नहीं है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन नहीं है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर नहीं है, आइसोनियाज़िड टू ए बेबी ब्रेस्ट फीड बाय स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी ट्यूबरकुलर मदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन, कौन सा एक प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है? कौन सा एक प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है? वेरी गुड, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर इट इज नॉट एन प्राइमरी प्रिवेंशन, ये एक प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब देखिएगा, एक आपको दिया गया है आइसोलेटेड टू ए बेबी ब्रेस्ट फीड बाय स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर, ये प्रिवेंशन किसमें आएगा? मतलब प्राइमरी नहीं है। अब आप यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, सर डीबी नहीं है प्राइमरी, डीबी प्राइमरी नहीं है। चलिए बात कर लेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है ना। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सर हम यहां पर क्या दे रहे हैं? आइसोनियाज़िड दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? टू ए बेबी जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर, स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर, इट इज ए क्रीमो प्रोफाइलेक्सिस। ये क्या होता है? कीमो प्रोफाइल एक्सिस। यहां पर हो सकता है, देखिए एक चीज और बताता हूं मैं, इस क्वेश्चन के सवालों के अंदर कुछ मिस्टेक लग रही होगी मुझे, आपको लग रही है नहीं लग रही है, मुझे लग रही है, ठीक है। यहां पर आप ये आंसर सही करिएगा, ये चीज आपकी कीमो प्रोफाइल एक्सिस के अंदर इंक्लूड होगी, और कीमो जो प्रोफाइल एक्सिस होता है, कीमो प्रोफाइल एक्सिस जो होता है वो प्राइमरी के अंदर आता है। किसमें आता है? प्राइमरी के अंदर, कीमो प्रोफाइल एक्सिस प्राइमरी में आता है। किसमें आता है? प्राइमरी के अंदर। अगर आप किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, किसी बेबी को आप ड्रग दे रहे हैं और उसकी मदर क्या थी? इंफेक्टेड थी, तो प्राइमरी के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे एचआईवी मदर है, क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि फीमेल को एचआईवी है, ठीक है, फीमेल को क्या है? एचआईवी है, और उसके बाद में बेबी डिलीवर हो गया और बेबी को आप कुछ मेडिकेशन दे रहे हैं, बेबी को क्या दे रहे हैं बेटा? मेडिकेशन दे रहे हैं, इट मींस बेबी को रिस्क है, बेबी को क्या है? रिस्क है, तो रिस्क है तो प्राइमरी आएगा। बेबी किस में है बेटा? रिस्क में है, तो रिस्क है तो प्राइमरी का आंसर आपका सही जाएगा। इसलिए यहां पर कीमो प्रोफाइलेक्सिस, ये जो होगा ना, ये मदर को है इंफेक्शन, बेबी को तो अपन क्या दे रहे हैं? ये ड्रग किसको दे रहे हैं? आइसोलेटेड टू ए बेबी ब्रेस्ट फीड बाय द स्पूटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर, मदर के अंदर टीबी पॉजिटिव है, बच्चे को ड्रग दे रहे हैं। सुना मैंने क्या कहा? बेबी को ड्रग दे रहे हैं, पॉजिटिव तो मदर है, इट मींस हमें यह डर है कि कहीं बेबी के अंदर इंफेक्शन ना हो जाए, तो क्या है हमें? रिस्क है, बेबी के अंदर इंफेक्शन होने का रिस्क है, तो रिस्क है तो क्या आएगा? प्राइमरी आएगा, रिस्क है तो प्राइमरी आएगा। हां, वेरी गुड कामिनी ठाकुर, आपका कंफ्यूजन बहुत अच्छा है। यही चीज मैंने कही है कि इस क्वेश्चन के जो दो ऑप्शन आपके हैं, पल्स पोलियो कैंपेन और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, मैंने पहले चीजें नोट नहीं की क्वेश्चन के टाइम पे, तो नोट कर लीजिएगा, जो भी आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं वो सारे किस में आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो होते हैं वो किस में आते हैं? सेकेंडरी के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? सेकेंडरी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, ये सेकेंडरी के अंदर आएगा आपका। किस में आएगा? सेकेंडरी के अंदर आएगा। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हुआ सभी के अंदर? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी चीज का। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा सवाल आए तो गलत मत करना। एचआईवी फीमेल है और बेबी को अपन क्या कर रहे हैं?
मेडिकेशन दे रहे हैं तो वो क्या है, बेबी को रिस्क से बचा रहे हैं, रिस्क है इसलिए ड्रग दे रहे हैं अपन। इसी प्रकार मदर के अंदर भी क्या है, टीबी है और बेबी को रिस्क है, तो रिस्क है तो प्राइमरी। कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का? कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड, जरूरत है कहां पर, इन विच स्टेज ऑफ ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की कौन सी स्टेज में टर्सरी प्रिवेंशन चाहिए आपको? सर प्री पैथोजेनेसिस में, सर पैथोजेनेसिस में, प्रोड्रोमल में, या फिर टर्मिनल फेज में? जवाब दीजिएगा जल्दी से, विच वन इज करेक्ट आंसर, विच वन इज करेक्ट आंसर। सर रिस्क प्रेजेंट थोड़ी हुआ है तो? सर देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा है, रिस्क नहीं है तो प्रीमोडियल में, रिस्क है तो प्राइमरी में। मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी को रिस्क होगा या नहीं होगा, क्योंकि बेबी क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो बेबी को रिस्क पॉसिबल है। रिस्क है तो हमने क्या किया, प्राइमरी में कर दिया। चीजों को समझे भाई, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं, ठीक है? तो ध्यान से सुने हर एक चीज को, तभी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। वेरी गुड, ऑप्शन डी यानी टर्मिनल, वेरी गुड। टर्सरी फेज जो आपकी टर्सरी प्रिवेंशन होता है, इधर देख लीजिएगा, सवाल जरूरी नहीं टर्सरी से ही आए, इसलिए ध्यान से देखना जरूरी है, ठीक है? तो टर्सरी जो होता है वो टर्मिनल स्टेज के अंदर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लेट पैथोजेनेसिस। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, लेट पैथोजेनेसिस। तो सर ये प्राइमरी सेकेंडरी किसमें आते हैं, इनका भी सुन लेना, प्राइमरी सेकेंडरी कहां पर आते हैं, ठीक है? अगर फेज आती है आपकी प्री पैथोजेनेसिस, प्री पैथोजेनेसिस में क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन, क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन आएगा। तो सर दूसरा हमारे पास पैथोजेनेसिस है, बिल्कुल सेकेंडरी आ जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन आ जाएगा। तीनों चीजें याद रख लीजिएगा, ठीक है? तीनों को याद रख लीजिएगा, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पूरे हो गए, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा सवाल है जो आपकी नॉर्सेट और सीएचओ के अंदर बार बार पूछा जाता है, ठीक है? वैक्सीन के रिगार्डिंग एक ऐसा क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मदर सर क्रिस किस प्रिवेंशन में आएगा, मतलब समझा नहीं मैं, फोकस कीजिएगा भाई नया, ठीक है? मिशन इंद्रधनुष आप सभी ने इसका क्वेश्चन देखा होगा, लास्ट ईयर नॉर्सेट में भी आया था, कंबाइन के अंदर भी आया था। नॉर्सेट में आपका जो 2021 था मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है? और एक्सेप्शन पूछ लिया था मिशन इंद्रधनुष। हाँ सभी को याद है 25 दिसंबर 2014 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 25 दिसंबर। सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा इसमें, 2014। वहां के तब उस टाइम जो मिनिस्टर थे कौन से, जेपी नड्डा, कौन से थे, जेपी नड्डा, उन्होंने लॉन्च किया था। उन्होंने लॉन्च करके इसके लिए एक टारगेट बनाया था। सर टारगेट क्या था, एम क्या था, टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन। क्या टारगेट था, टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन, कि सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और उनका टारगेट था 2020 तक, 2020 तक का टारगेट था, लेकिन उसके बाद में उसको बढ़ाकर कब तक कर दिया गया, 2022 तक कर दिया। जब सरकार के वादे पूरे नहीं होते तो सरकार टाइम बढ़ा देती है, ऐसा कुछ चलता है, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया था, हाँ उस टाइम में देखिएगा, मिशन इंद्रधनुष क्यों कहा था, क्योंकि जैसे आपके इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है, वैसे यहां पर आपकी 7 वैक्सीन थी। कितनी वैक्सीन थी, 7 वैक्सीन स्टार्टिंग में, उसके बाद में 4 और जोड़ दी गई थी, वो अलग बात है। तो 7 वैक्सीन कौन कौन सी थी याद रख लीजिएगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस,
सॉरी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, चाइल्ड टीबी, समझ जाएंगे ना, डीपीटी सेपरेट है ये, डिप्थीरिया अलग है, पर्टुसिस अलग है, टिटनेस अलग है, ठीक है। नेक्स्ट वन पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, नेक्स्ट वन मीजल्स एंड नेक्स्ट वन हेपेटाइटिस बी। ये आपकी 7 वैक्सीन थी जिनके रिगार्डिंग क्या किया गया था, एक प्रोग्राम चला गया था 2014 के अंदर, 25 दिसंबर 2014 के अंदर जेपी नड्डा के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था कि हम क्या करेंगे, 7 वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद में हुआ कुछ यूं कि इसके अंदर 4 वैक्सीन और ऐड कर दी, प्लस 4 वैक्सीन। आजकल ये इंद्रधनुष के अंदर हमें कितने रंग दिखाई देते हैं, टोटल 11। तो 11 वैक्सीन हमारी एडमिनिस्टर करना है, क्लियर हुआ। 11 वैक्सीन अपन एडमिनिस्टर करेंगे, कौन कौन सी इंक्लूड कर दिया इसमें, रोटा वायरस, कौन सी इंक्लूड कर दी है, रोटा वायरस। दूसरी है मीजल्स रूबेला, मीजल्स रूबेला कंबाइन वैक्सीन अपने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट वन आईपीवी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, ठीक है। और एक ऐड कर दी हमने जापानीज एनसेफेलाइटिस, कौन सा, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस इसके अंदर ऐड कर दी गई है। ये तो था भाई आज से पहले तक का, कब यानी 2014 में जब लॉन्च किया गया था तब तक का आपका मिशन इंद्रधनुष का एम था। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया, इंटेंसिफाइड, क्या किया था उन्होंने, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया था, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया था। और उसके बाद में डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया था, इनको फिर से सर क्वेश्चन में अगर पेपर में आया तो 7 बेटा, टोटल आपको 11 ऐड कर दी गई है, टोटल आपको 11 ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 8 अक्टूबर 2017 को क्या किया था, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, 8 अक्टूबर 2017 को किसके द्वारा, बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या कहा था कि जितनी भी महिलाएं और बच्चे बच गए हैं, टू कवर द ऑल, कवर ऑल द फीमेल एंड चाइल्ड, जो अनप्रोटेक्टेड हैं, जिनको प्रोटेक्शन नहीं मिली है, ठीक है, उन सभी को कवर करना है, उन सभी को क्या करना है, कवर करना है। डेली क्लास 6 बजे होगी, बिल्कुल 6 बजे वाली क्लास से दिमाग में फिट कर लो, डेली क्लास आपकी 6 बजे होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में इसी को क्या किया गया, मिशन इंद्रधनुष 2.0 वर्जन भी आ गया भाई इसका। और ये किसने निकाला है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, किसने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, क्लियर हुआ सभी को। चलिए यहीं पर इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और क्लास का पूरा आनंद लिया होगा आपने। 2 घंटे लगातार नॉन स्टॉप आपने कम्युनिटी की क्लास पढ़ ली है, तो ये अपनी जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। CHN की बूस्टर डोज सुबह 6 बजे स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, अब आपकी जो डेली क्लास रहेगी वो सुबह 6 बजे ही रहेगी, नेक्स्ट क्लास आपकी कल रहेगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मेरे बताए अनुसार आज अपने क्या पढ़ लिया है, इम्यूनाइजेशन और प्रिवेंशन कंप्लीट कर लिया है, इम्यूनाइजेशन और प्रिवेंशन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है उन तक ये क्लास पहुंच जाए, क्लास को नहीं हटाएंगे, ठीक है। आप कुछ बच्चे टेंशन में आ रहे हैं बेचारे, बीच में आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी आदतों को थोड़ा सुधारिएगा। आज आपको मौका देते हैं, कल से क्लास को हटा देंगे, जो बच्चे लेट आएंगे उनके लिए। कल का टॉपिक आपको आज कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट हो जाएगा, तो एक बार देख लीजिएगा, आने वाली 3 दिन की क्लास से अपडेट हो जाएगी। डेली क्लास का टाइमिंग आपका 6 बजे का रहेगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में एक बार जो भी आपका रेस्पॉन्स हो क्लास के रिगार्डिंग वो जरूर दीजिएगा।
ताकि आपके इस रेस्पॉन्स के कारण हमें कुछ मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम कुछ बेटर कर पाए। ठीक है, नहीं क्लास नहीं हटेगी, ठीक है, आज आपकी क्लास रहेगी जी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू किया है। ओबीजी आपका पूरा हो चुका है, ओबीजी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और अब हम कंप्लीट करेंगे पूरा सीएचएन, पीडिया और न्यूट्रिशन आने वाले 6 से 7 दिन के अंदर। कल भी आपकी कम्युनिटी क्लास होगी, आने वाले 4 दिन अब आपकी कम्युनिटी की क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हमारे कुछ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ऑफर का आज लास्ट डे है भाई, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कंटिन्यू हमारी लाइव क्लासेस के साथ ज्वाइन करने के लिए, सो लाइव 15 आप ऑफर कोड यूज करिएगा जब भी आप बैच ज्वाइन करें। आज लास्ट डे है, 9 अप्रैल है आज, तो इसे आप यूज करके कंटिन्यू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सीएचओ में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे बेटा, लास्ट ईयर एमपी सीएचओ के अंदर 2 या 3 इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, जो जो इंपोर्टेंट रहेंगे कम्युनिटी के रिगार्डिंग मैं आपको कवर करवा दूंगा। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जो आज से आप तक आज से पहले आपने पढ़ रखे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं ठीक सुबह 6 बजे वाली क्लास के अंदर, धन्यवाद। तो एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, एनाटॉमी भी पढ़ाएंगे बेटा, इंतजार करें, हर एक चीज करने वाले हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।